हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ वन शॉट ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वो भी ईएमआई चैप्टर का। इसके अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन एंड एडिशनल एक्सरसाइज भी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, जो आपके लिए एक बोनस होने वाला है। तो देर किस बात की, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना एंड वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड हर एक क्वेश्चन देखिए, मैंने इसमें हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया आपको, जो भी आपका सॉल्ड एग्जांपल है, जो भी आपका एक्सरसाइज का एग्जांपल है, जो भी आपका एडिशनल का है। जो सॉल्ड एग्जांपल है उनके आगे आपको एग्जांपल लिखा मिलेगा एंड जो एडिशनल का होगा उनके साथ में भी आपको अलग से एडिशनल लिखा मिलेगा। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे उनके आगे ना एग्जांपल ना एडिशनल कुछ नहीं लिखा होगा, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एंड मैं भी साथ के साथ आपको बताता चलूँगा कि ये क्वेश्चन जो है ये सोल्ड एग्जांपल है और ये क्वेश्चन जो है ये आपका एडिशनल से है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये है आपका एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या दिया हुआ है, आपको दो कॉइल दी हुई है, C1 एंड C2 दी हुई है। एक ये C1 है, ये एक C2 है। आपसे ये पूछ क्या रहा है, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन ए लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। पहला केस करते हैं, आगे नहीं पढ़ेंगे अभी, पहला केस पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमें लार्ज डिफ्लेक्शन चाहिए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कि देखिए एक सिंपल सा बात है कि डिफ्लेक्शन किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन इस कॉइल की वजह से प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा, उससे करंट बनेगा, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगी। तो ये डिफ्लेक्शन हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये डिफ्लेक्शन हम इंक्रीज कर सकते हैं भैया कैसे, अगर हम C2 की जो बैटरी है, C2 की जो बैटरी है उसको पावरफुल बना दे, पावरफुल बना दे, ठीक है। क्या बना दे उसको, पावरफुल बना दे, तो हम जो है भैया इसके अंदर डिफ्लेक्शन को ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ पे एक देखिए आपको स्विच दिख रहा है, यहाँ पे ये स्विच दिख रहा है, ठीक है। तो इस स्विच को रैपिड रेट पर हम क्या कर दें, ऑन ऑफ कर दें, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। कैसे होगी, क्योंकि देखिए रैपिड रेट पे जब आप इसको ऑन ऑफ करोगे तो इसके अंदर जो चेंज इन फ्लक्स है वो ज़्यादा होगा और वो फटाफट होगा, तो उसकी वजह से जो EMF इंड्यूस होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट जो है आपको क्लियर हो गया कि डिफ्लेक्शन कैसे इंक्रीज करना है, पावरफुल बैटरी लगा दो C2 के अंदर एंड रैपिड रेट पे आप इसके स्विच को ऑन ऑफ कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हाउ वुड यू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, कि अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ना हो तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ना हो तो आप कैसे कर सकते हो, फिर हम इसे किस तरह से करें, ठीक है। तो हमें देखिए हमें तो एक करंट चेक करना है ना, हमें तो एक करंट चेक करना कि अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ना हो तो हम कुछ ऐसी चीज़ लगा दें जिससे हमें करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या लगा दें बी पार्ट के अंदर, हम बी पार्ट के अंदर क्या लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक टॉर्च बल्ब लगा दें, ठीक है, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा कि करंट इंड्यूस हो गया है, बन गया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है भैया आपका क्या मेथड कि जो इन्होंने पूछा था यहाँ पे। और देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर आप कुछ कंडीशन और भी कर सकते हो, जैसे हमने बोला कि पावरफुल बैटरी लगा लो, रैपिड रेट लगा दो, इनके बीच का रिलेटिव मोशन वो तेज कर लो आप, ठीक है। एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जैसे आयरन होता है हमारे पास, ठीक है, उसको आप इंसर्ट करा दो किसके अंदर, इसके अंदर, इसके पोर्शन के अंदर, ठीक है, जिससे क्या होगा, यहाँ का जो क्या होगा भैया, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे मेथड हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया और ये एग्जांपल था हमारा, क्या था भैया, ये एग्जांपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ स्क्रीन पर, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं, देखिए ये ए है, ये बी फिगर है, ये आपकी सी फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि देखिए इस तरह की और फिगर भी हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, बट मैंने तीन को ही उठाया है क्योंकि तीन से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछना क्या जाता है, ये पूछ रहा है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग फिगर, कि इनके अंदर क्या जो इंड्यूस EMF हो रहा है उसकी वजह से जो करंट बन रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, तो वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले करते हैं ए पार्ट, ए पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए तो ए पार्ट में देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ चेक करिए कि यहाँ जा रहा है इसके साथ साउथ जा रहा है, ठीक है। एक सिंपल सा फंडा मैं आपको समझाता हूँ, ये देखिए कि ये रखी है एक कोयल और ये रहा
साउथ और ये रहा नॉर्थ, ये इसके पास जा रहा है। बट उससे पहले हम एक डायरेक्शन बना लेते हैं किसकी, फील्ड की। फील्ड की डायरेक्शन होती है साउथ में एंटर करती हैं ऐसे, ठीक है, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं ऐसे, बाहर निकल गई। तो इसका मतलब यहाँ से भी फील्ड ऐसे ही आ रहा है ना, इसमें से भी ऐसे ही होके जा रहा है, ठीक है। और ये जो रिलेटिव मोशन है इसका, इसका जो रिलेटिव मोशन है इसकी तरफ है, इसकी तरफ है। तो इसका मतलब इस कॉइल के लिए जो फ्लक्स है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। इसके लिए जो फ्लक्स है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिक्रीज करने के लिए इसके अंदर कैसा करंट इंड्यूस हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर ऐसा करंट बने कि उसकी फ्लक्स ऐसे हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड थंब रूल लगाओ और आपका क्वेश्चन हो जाता है इसके अंदर। तो जैसे आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, थंब जो होगा यहाँ पे थंब, वो फ्लक्स शो कर रहा होगा, और जो कर्ल फिंगर होंगी वो डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रही होंगी। क्या शो कर रही होंगी, डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रही होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका करंट होगा वो कैसे बनेगा, ठीक है, बता सकते हैं आप कैसे बन सकता है इसके अंदर करंट। तो इसके अंदर जो करंट होगा भैया वो ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे, यहाँ से ऐसे और ऐसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमने इसको जब फ्लक्स इधर देना है तो करंट इसके अंदर से ऐसे जा रहा होगा, करंट इसके अंदर से ऐसे जा रहा होगा, समझ गए। तो इसके अंदर क्या है भैया, करंट जो है वो क्लॉकवाइज है। कैसा करंट है, क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में कुछ नहीं है, सेम कंडीशन है। यहाँ पे एक कोयल है ये वाली, और यहाँ पे एक कोयल है ये वाली, ठीक है। अब इसके साथ ये बीच में क्या दे रहा है, यहाँ पे एक मैग्नेट दे रहा है, यहाँ पे ये एक मैग्नेट रख दिया, जो कि ये साउथ है ये नॉर्थ है। तो देखो वही केस है जो ऊपर किया है, यहाँ पे ये वही वाला केस है कि साउथ पास में जा रहा है। तो कॉमन सी बात है, इसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है, तो इसमें क्लॉकवाइज, और इससे दूर जा रहा है तो इससे एंटी क्लॉकवाइज। सेम डायरेक्शन है, अच्छे ढंग से मैंने वन शॉट के अंदर आपको अच्छे ढंग से बिल्कुल प्रॉपर ढंग से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे ढंग से करिएगा, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं इस पार्ट के अंदर, सी पार्ट के अंदर। सी पार्ट में आपको दो लूप दिए हुए हैं और दोनों का कॉमन एक्सिस है, एक में से ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसे करंट जाके ऐसे आ रहा है और ऐसे चल रहा है, सिंपल है। अब ये क्या कह रहा है आपको, अब इस पार्ट के अंदर ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो कॉमन एक्सिस मतलब जो सेकंड लूप है हमारा, ये लूप है, इसके अंदर करंट कैसे बनेगा, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो फर्स्टली कि जब यहाँ से करंट जा रहा है ऐसे और ऐसे, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, किससे जो फ्लक्स होगा, इससे जो फ्लक्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो फ्लक्स इसकी तरफ होगा, इसकी तरफ होगा, ठीक है। फ्लक्स किसकी तरफ होगा भैया, इसकी तरफ होगा, एक मिनट, इसकी जो डायरेक्शन है ये ऐसे करके ऐसे जा रहा करंट, ठीक है। तो मतलब आपको, हाँ, तो इसका जो फ्लक्स है भैया इधर होगा, ठीक है। अब एक बात देखो कि फ्लक्स इसकी वजह से बना ऐसे, तो मतलब ये कहीं ना कहीं से ऐसे होके आ रहा होगा। तो इसके लिए जब फ्लक्स ऐसे जा रहा है तो आपको फ्लक्स अब ऐसे डिक्रीज करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में डिक्रीज करने के लिए आपको किस तरह का करंट बनाना पड़ेगा, आई थिंक वो सबको पता है, ठीक है। देखिए जो हमारा लूप है, लूप वन, वो कैसा बन जाता है, साउथ पोल बन जाता है, ठीक है। और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे उसके अंदर से करंट जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा पोल है हमारा, ये वाला पोल जो लूप है, इसके अंदर जो फ्लक्स है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। और डिक्रीज करने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाओ, आपको अपना क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, और इसके अंदर सारे क्वेश्चन जो है कंबाइंड है भैया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ फिगर्स दी हुई हैं, जैसे कि फिगर दी हुई है ये और ये। इसके अंदर आपसे ये पूछना क्या चाहता है, इसके अंदर ये आपसे पूछना चाहता है कि जो ये लूप्स दिए हुए हैं हमने, जिनको हम मूविंग आउट और इन कर रहे हैं, इनको अंदर ले जा रहे हैं, कुछ को बाहर लेके जा रहे हैं, डायरेक्शन ये जो एरो है वो इनकी डायरेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंज लॉ। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये फील्ड दिया हुआ है ये ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, ये ऐसे का मतलब क्या होता है, क्रॉस फील्ड है ये। कैसा फील्ड है ये, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, इनवर्ड परपेंडिकुलर, ये तो चीज़ पता है हमें, ठीक है। चलिए
अब ये क्लियर हो गया। अब फर्स्ट केस पढ़ते हैं जिसके अंदर ये लूप इस फील्ड के अंदर आ रहा है, मतलब इस लूप के लिए, स्क्वायर लूप के लिए जो फ्लक्स है, फ्लक्स फर्स्ट वाले केस को कर रहे हैं हम, फर्स्ट फिगर को, वो इंक्रीजिंग होगा जैसे जैसे ये अंदर आएगा। ये तो क्लियर है, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग होगा और उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब लूप है आपके पास ऐसे, उसमें से फील्ड अंदर जा रहा है, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि फील्ड बाहर आए, ऐसा करंट बनाना पड़ेगा कि फील्ड बाहर आए। तो उसके लिए हमें इसके अंदर बताना पड़ेगा कि जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में भैया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। समझ में आ गए कि किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब करंट ऐसे इंड्यूस होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट में फिर से ये क्या कर रहा है, वही फील्ड दिए हुए आपके पास, बहुत सारे ऐसे फील्ड लाइंस दी हुई हैं, और इसमें से अब ये इस लूप को बाहर लेके जा रहा है, ऐसे बाहर लेके जा रहा है। तो बाहर लेके जाने का मतलब कि इसके साथ जो फ्लक्स है वो डिक्रीजिंग हो रहा है। कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीजिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, इनक्रीज करना पड़ेगा। इनक्रीज कैसे करें, कि उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम कुछ फील्ड और ऐड करें। तो उसके लिए सेम, अगर हमें उसी डायरेक्शन में फील्ड चाहिए तो करंट हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट हमारा इस तरह से होना चाहिए। कैसे, ये देखिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे मतलब कैसा करंट हुआ यहाँ पे, क्लॉकवाइज। कैसा करंट हुआ, क्लॉकवाइज करंट हुआ। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए तो थर्ड पर चलते हैं। थर्ड में क्या पूछ रहा आपसे, इस पार्ट में, तो मतलब इस पार्ट में हमने बता दिया कि आपको क्या मिला है, इस तरह से मिला है, ठीक है। अब चलते हैं इस पार्ट के अंदर। इस पार्ट में फिर से वही बाहर जा रहा है भैया, सेम केस है, सेम का सेम तरीका लगेगा, वही कैसा करंट आएगा आपके पास, क्लॉकवाइज करंट आएगा। कैसा करंट आएगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि देखिए सेम फंडा लगेगा, जो यहाँ पे फंडा लगा है वही यहाँ पे फंडा लगेगा। तो बार बार एक ही चीज़ को बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम सेव होगा, आपको सिर्फ समझना अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया हुआ, देखिए ना तो इस पर लिखा हुआ एडिशनल, ना लिखा हुआ है इस पर एक्सरसाइज का, तो मतलब सॉरी, ना तो इस पे एग्जांपल लिखा हुआ ना एडिशनल लिखा हुआ, तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर से वही फिगर है। इस फिगर के अंदर देखिए कि यहाँ पे ये एरोस शो किए हुए हैं ऐसे, ठीक है, और फील्ड क्रॉस होके जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है और इनवर्ल्ड है, अंदर जा रहा है, और ये इसको हम ऐसे चौड़ा कर रहे हैं। चौड़ा करने से क्या होगा, एक बड़ा शेप लेगा, ये ऐसे एक शेप बना सकता है, जैसे कि ये कैसी शेप बना सकता है, फर्स्ट फिगर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे खींचने से हमें ऐसी शेप मिल जाएगी। तो एक मिनट, एक ध्यान दो कि भाई जब आप इस चीज़ को ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहे हो तो जो फ्लक्स है पहले कितना था, ये दो तीन लाइनें जा रही थी, लेकिन बाद में बहुत सारी लाइनें जाएंगी इसके अंदर से जाएंगी, तो इसके लिए जो फ्लक्स हुआ वो कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। फ्लक्स कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है, फ्लक्स हो गया इंक्रीजिंग। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज कैसे कर सकते हैं हम, डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, जल्दी देखिए। तो डिक्रीज करने के लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होना चाहिए, और मैंने बताया कि राइट हैंड थंब रूल में जो थंब है वो आपका किसकी डायरेक्शन शो करेगा, फ्लक्स की डायरेक्शन शो करेगा। तो थंब लगाइए और अपोजिट डायरेक्शन थंब अपनी तरफ करिए, थंब अपनी तरफ होगा तो आपका जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। मतलब कैसे, डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए एंड डी हो जाएगी, ठीक है। कैसे बन गए भैया, डी टू सी, ये देखिए ये सी जा रहा है ना यहाँ पे, ये रहा सी, डी से सी चले गए, सी से बी चले गए, बी से ए चले गए, फिर से डी आ गए, ठीक है। तो ये मतलब इसके अंदर कैसी डायरेक्शन शुरू बन गई आपके देखने से, वो बन गई है एंटी क्लॉकवाइज। कैसी बन गई है, एंटी क्लॉकवाइज बन गई है, हो गया। चलिए तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए कुछ भी नहीं है, फील्ड चेंज हो गया। एक तो क्या चेंज हो गया, फील्ड, फील्ड अब कैसा है, परपेंडिकुलर है बट आउटवर्ड है। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, डॉट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड, ठीक है। इस तरह से ये आउटवर्ड शो करते हैं हम डॉटेड से। अब इसके बाद देखिए, अब इस लूप को हम छोटा कर रहे हैं, इस लूप को अगर हम छोटा कर रहे हैं तो एक सिंपल सी बात है, एक लूप है इतना बड़ा, उसको हम कर रहे हैं इस तरह से छोटा।
तो इसके अंदर जो फ्लक्स है वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीज को करना पड़ेगा इंक्रीज, बट इंक्रीज कैसे कर सकते हैं कि उसी डायरेक्शन में कुछ ऐड हो। यहाँ पे फील्ड कैसा है, बाहर आ रहा है, तो उसी डायरेक्शन में हमें फ्लक्स चाहिएगा। तो अंगूठा अपनी तरफ करो राइट हैंड थंब का, एंड जो कर्ल फिंगर है वो घुमा दो, जिस डायरेक्शन में घूम रही है वो आपकी करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका जो करंट है वो कैसे जा रहा है, वो जा रहा है इसके अंदर डी से सी, सी से बी, बी से ए और डी, ऐसे। मतलब वही केस है एंटी क्लॉकवाइज। अब कईयों का क्वेश्चन ये होगा कि पहले वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे फील्ड क्रॉस था, मतलब अंदर जा रहा था, और यहाँ पे फील्ड डॉट है तो बाहर आ रहा है, दैट्स वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से पढ़ते हैं, और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे लेंज लॉ पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, और ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है भैया ये। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ आपको क्या, ए क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए टू परमानेंट मैग्नेट फिक्स्ड, कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि एक क्लोज लूप लिया हमने, क्या लिया, इन्होंने क्या बोला कि हमने एक क्लोज लूप लिया, ये क्लोज लूप है। ठीक है, और इनको यहाँ पे एक नॉर्थ और यहाँ पे एक साउथ के बीच में रख दिया, तो ये पूछ रहे क्या यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा। तो भाई एक चीज़ याद रखो, टू इंड्यूस द करंट इन ए लूप जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होना जरूरी है। ठीक है, मतलब सिर्फ प्लेसिंग से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे कांट कैन नॉट बी इंड्यूस्ड, क्योंकि इंड्यूस करने के लिए जो फ्लक्स है वो चेंजिंग होना चाहिए, और ये तो सिर्फ रखने की बात बोल रहे हैं, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता वो। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ये हमने पढ़ा है इसको अच्छे से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5th का ए पार्ट, और ये NCERT का सोल्ड एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है ये ए क्लोज लूप मूव नॉर्मल टू द कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए लार्ज कैपेसिटर इज ए करंट इंड्यूस इन द लूप। फर्स्ट पार्ट है व्हेन इट इज होली इनसाइड द रीजन बिटवीन द प्लेट्स कैपेसिटर, सेकंड व्हेन इट इज पार्शली आउटसाइड द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तो हमने किस तरह से प्रोड्यूस किया, वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है कि या तो आपका मोशन हो, मतलब एक मिनट, या तो आपका क्या हो, सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि जो हमने करंट पढ़ा है आज तक वो तो किस, मोशन ऑफ चार्ज से, या फिर हमने पढ़ा है किससे बनता है, आपका चेंज इन फ्लक्स से, बट ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले आया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से तो बनेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है कैन नॉट बी इंड्यूस बाय द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका बी हो गया, 5th का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर सी पर चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ए रेक्टेंगल लूप एंड ए सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म फील्ड A and B to filled free region with a constant velocity V. In which loop do you expect the induced EMF be constant? ये देखिए आपको दो फिगर दी हुई हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसमें ये विद वेलोसिटी V के साथ इधर आ रहा है और विद वेलोसिटी V के साथ ये इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसके अंदर जो है एक, मतलब जो EMF इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो मतलब कॉन्स्टेंट किस में होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर आपको एक सिंपल सा फंडा पता होना चाहिए जो हमें कई बार पढ़ लिया, और वो क्या था कि जो EMF होता है वो -d∅/dt होता है। ठीक है, एंड फाई हमें पता है क्या होता है, बी इंटू एरिया होता है। ठीक है, तो मतलब E=-d/dt BA। ठीक है, अगर हम बी कांस्टेंट रखते हैं, एरिया चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है ना, ऐसे, क्योंकि ये जब बाहर जाएंगी तो एरिया चेंज होगा। ठीक है, तो भैया आप यहाँ पे बताना है कि आपको रेक्टेंगल के केस में या सर्कुलर के केस में क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इन केस ऑफ रेक्टेंगल कॉइल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज कॉन्स्टेंट, हेंस इंड्यूस EMF विल बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्योंकि जो आपका कॉइल है,
जो आपका कोयल है उसके लिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका एरिया होगा वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि देखो कभी ये एक पोर्शन है कोयल का, कभी भी इतनी बाहर आ रही है, कभी इतनी, बट रेक्टेंगल में एक फिक्स अमाउंट बाहर आएगा एरिया का ऐसे, ठीक है। तो आपको एक एक्चुअल पता होगा, तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसके केस में कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया, बहुत बार करवाया, इवन वन शॉट के लेक्चर्स में भी करवाया, तो इसको जल्दी से करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सर्कुलर कोयल है आपके पास जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर एंड 500 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस है 2 ओम। इसको प्लेस किया जाता है इस तरह से कि इसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब इसको इस तरह से प्लेस किया जाता है कि जैसे ये आपके पास एक कोयल है, यहाँ पे ये एक कोयल है, ठीक है, इसमें इसका एरिया इस तरह से है एंड इसमें से फील्ड जो ऐसे जा रहा है वो इस तरह से, ठीक है। ये इन्होंने अपनी कंडीशन यहाँ पे बता दी है। अब ये बोल रहा है, देखिए क्या यहाँ पे ये बोल रहा है, इट इज़ रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री। अब इसको 180 डिग्री से घुमा दिया जाता है तो इसकी पोजीशन किस तरह से चेंज हो जाएगी, इसकी पोजीशन हो जाएगी इस तरह से कि भाई ये कोयल घूम गई है और इसके जो फील्ड है वो तो ऐसे ही है, जो अब एरिया हो गया वो ऐसे हो गया, ठीक है। मतलब 180 डिग्री से इसको घुमा दिया तो एरिया सिंपल सी बात है ऐसे होगा, ठीक है। और कितना टाइम में घुमा दिया इसको, इसको घुमा दिया भैया इन्होंने 0.25 सेकंड में, 0.25 सेकंड में घुमा दिया, सिंपल है। चलो अब इसके बाद ये आपसे क्या पूछ रहा है, इसके बाद ये पूछा एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड, ऑफ द ईएमएफ एंड द करंट इंड्यूस्ड इन द कोयल। पहले हम करंट निकालने से पहले हमें ईएमएफ निकालना पड़ेगा, तो वो निकाल सकते हैं हम, ठीक है। चलिए तो सिंपल सी बात है, निकाल लेते हैं। फर्स्टली जब आपकी जो कोयल है इस पोजीशन में थी, तो वहाँ पे कितना फ्लक्स था वो आपको पहले निकालना होगा, ठीक है। तो उसको मैं लिखता हूँ इनिशियल फ्लक्स, क्या लिखता हूँ मैं इसको, इनिशियल फ्लक्स लिखता हूँ। तो इनिशियल फ्लक्स जब मैं लिखूँगा तो इनिशियल फ्लक्स मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, एन बी ए कोस भी होता है, ठीक है। तो कोस थ्रीटा, यहाँ पर कितना है, ये देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में तो 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री हुआ और कोस 0 1 हो जाएगा, तो सिर्फ हम यूज़ करेंगे एन बी ए, क्या यूज़ करेंगे एन बी ए। तो एन यहाँ पे कितने हैं, 500 टर्न्स है, ठीक है। बी कितना है यहाँ पे, बी यहाँ पे जो गिवन है बिल्कुल एंड में आपके पास, ठीक है। और वो कितना गिवन है भैया, आप देख सकते हो वो गिवन है आपके पास 3 × 10^-5 टेस्ला एंड ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × 10^-5 टेस्ला एंड साथ में ए एरिया, ये देखिए इसका रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर है, इसको फर्स्टली आपने बनाना है क्या, क्या बनाना है मीटर में, तो मीटर के लिए 10/100, मीटर के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 10/100 कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 1/10, तो मतलब 0.1 हो गया हमारे पास, ठीक है, 0.1 हो गया। तो एरिया लिखेंगे कैसे, पाए आर का स्केयर, तो आर है 0.1 का स्केयर, ठीक है। तो मतलब जब आप 5/1 मतलब जिसको इनिशियल बोल रहे हम, इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 15π × 10^-5 वेबर, ठीक है। तो ये इनिशियल हमारे पास आ चुका है क्या, फ्लक्स। अब इन्होंने कंडीशन दी ये वाली, तो इसके अकॉर्डिंग हम फिर से फ्लक्स निकालते हैं, जो कि हमारा फाइनल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, एन बी ए कोस थ्रीटा, इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो मतलब सारी चीज़ वही, बट वैल्यू क्या होगी, −15π × 10^-5, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आ गया क्या आपके पास, ये आ गया फाइनल फ्लक्स आ गया, ठीक है। अब जो फाइनल फ्लक्स आ गया है और जो इनिशियल फ्लक्स है, इसका अब क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि भैया हमें जो इंड्यूस ईएमएफ निकालना है वो कैसे निकालते हैं हम। इंड्यूस ईएमएफ का मतलब होता है चेंज इन फ्लक्स, तो माइनस चेंज इन फ्लक्स कैसे, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें हम, ठीक है, फाइनल में से इनिशियल हम माइनस कर दें, और नीचे वही टाइम कितना, कि कितना टाइम ले रहा है, चेंज इन टाइम हो जाता है, ठीक है। तो भाई ये रहा आपका फाइनल, ये रहा आपका इनिशियल, तो दोनों को माइनस करिए, जैसे ही आप माइनस करोगे आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास आएगा 30π × 10^-5 upon 0.25, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम दिया हुआ हमें। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास सॉल्व करने के बाद मिलेगा आंसर चेक करके मैं बता देता हूँ, +376.8 × 10^-5 वोल्ट।
ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3.768 मिलीवोल्ट, मिली में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद सिर्फ आपसे क्या पूछा जा रहा है, करंट, एंड करंट होता है ई बाय आर, आर आपको गिवन है, ये रहा आर, तो भैया इतना तो कर ही सकते हो, ईएमएफ की वैल्यू रखनी है, ठीक है, मिली और अपॉन रेजिस्टेंस रखना है, तो आप आंसर कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ पर। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में ये आपसे पूछ रहा है कि एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस है 0.5 ओम का, प्लेस्ड है वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। ठीक है, पहले हम ईस्ट वेस्ट प्लेन बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं ईस्ट वेस्ट प्लेन को, देखिए जैसे कि ये रहा आपके पास ईस्ट, ये नॉर्थ और ये वेस्ट और ये साउथ। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, नेवर ईट सोगी वेफल्स, हमेशा क्लॉकवाइज में चलिए, नेवर ईट सोगी वेफल्स, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका स्क्वायर लूप है, देखिए ये बोल रहा है कि जो आपका स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस है 0.4 ओम, प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन, इसको वर्टिकली प्लेस किया जाता है किसमें, ईस्ट वेस्ट प्लेन के अंदर। ठीक है, मतलब इस तरह से, इस तरह से कि ये रही आपकी एक शीट जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से जा रहा है हमारे पास ई, वर्टिकली बोल रहा है। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट का मतलब कि जो आपका फील्ड है वो इस तरह से, क्योंकि नॉर्थ इधर था जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको बी मिल गया, क्लियर है। और इसका जो एरिया है वो कहाँ जा रहा है, एरिया वेक्टर जा रहा है ऊपर की तरफ, ये हमें क्लियर ही है स्टार्टिंग से। अब ये बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो इन 0.70 सेकेंड एट ए स्टेडी रेट, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में जो ये डायरेक्शन बन रही है, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको कि जो बी है और ए है, मतलब बी और ए के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले एक चीज़ देखो कि यहाँ पे ये बी जा रहा है, इस बी के साथ ये जो प्लेन है, प्लेन के साथ कितना एंगल बन रहा है, ये बन रहा है भैया 45 डिग्री का। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, इनिशियल फ्लक्स निकालना है। इनिशियल फ्लक्स निकालते हैं कैसे, बी ए कॉस थ्रीटा एंड कॉस थ्रीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, तो बी कितना है, दे रखा है हमें बी कितना दे रखा है, ये दे रखा है भैया हमारे पास 0.10 और ए एरिया 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ। ठीक है, 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, तो आप इसके बाद इसका एरिया लिख दो। तो एरिया कैसे लिखोगे, वही इसको दो बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एंड कॉस 45 को कैसे लिखेंगे, 1/√2 से लिखेंगे। तो इनिशियली फ्लक्स जो आएगा उसको लिखेंगे 1 × 10⁻³ −3/√2 वेबर आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद ये बोल रहा है फाइनली द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू जीरो। अब ये फाइनली मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर रहा है जीरो पर, तो कॉमन सी बात है कि जो फाइनल फ्लक्स होगा वो भी तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, फाइनल है जीरो माइनस, यहाँ पे सॉरी एक काम करते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे लिखेंगे, माइनस फाइनल कितना है जीरो, माइनस इनिशियल कितना है, जो भी आपके पास वैल्यू है 1/√2। ठीक है, और ऊपर कितनी वैल्यू थी, 10⁻³ साथ में, अपॉन टाइम कितना है 0.7 सेकंड में ये हो जाता है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 मिली वोल्ट। तो ये आ गई आपकी ई की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू। तो अगर ई की वैल्यू आ गई है तो आई इज इक्वल टू होता है आई आर, सॉरी, अब हमें निकालना है आई, तो आई की वैल्यू है ई बाय आर। तो ई आपके पास ये रहा 1 मिली एंड रेजिस्टेंस आपको पता ही है, गिवन है आपके पास, वो कितना दिया हुआ 0.5 ओम। तो इसको आप करिए सॉल्व और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। क्वेश्चन नंबर एट पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर एट जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है,
और इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार हम कर चुके हैं इस तरह का। बस इसमें थोड़ा सा एक चेंज ये है कि इसमें आपको पहले फील्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा आपको? पहले फील्ड। फील्ड मतलब, क्योंकि इसमें सोलेनोइड की बात हुई है, सोलेनोइड के लिए जो फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन आई से होता है, ठीक है। पहले ही आपको एक कंडीशन देगा, तो पहले आपको बी वन निकालना है, जिसमें आप लिखोगे म्यू नॉट एन आई वन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये करंट दो बार में बता रहा है कि एक बार में 2 एम्पियर है, फिर 4 एम्पियर है, मतलब 2 से 4 चेंज हो रहा है। तो आपको बी वन निकालना पड़ेगा पहले, किसके लिए? 2 एम्पियर के लिए। फिर आपको बी टू निकालना पड़ेगा म्यू नॉट एन आई टू के लिए, ठीक है। अब इन बी वन एंड बी टू को यूज़ करके आप निकाल सकते हो 5-1 and 5-2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको पूछा जाएगा EMF, तो वो निकालना आपने फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम। तो फाइनल कौन होगा हमारा? 5-2, क्योंकि बाद में वही बोल रहा है, ये है हमारा इनिशियल। तो इस क्वेश्चन को बार बार करवाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ऐसे। तो आपको सिर्फ हिंट मिलनी चाहिए थी, वो मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो और भी सिंपल है। यहाँ पे आपसे क्या चीज़ गिवन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 cm and 2 cm इज स्टेशनरी इन ए नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड रीजन। द करंट फीडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड सो दैट द फील्ड डिक्रीज फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ 0.3 टेस्ला एट द रेट ऑफ 0.0 टेस्ला पर सेकेंड। इफ द लूप हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1.6 एम्पियर हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड बाय द लूप एज हीट, वट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि इंड्यूस्ड EMF कैसे निकालते हैं, d∅dt से निकालते हैं। यहाँ पे किस किस की बात हो रही है, एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड ये है, तो मतलब एरिया की भी बात होगी, और उस एरिया में से कुछ एक फील्ड है इनिशियल ये है, ठीक है। इनिशियली कुछ एक फील्ड है वो हमें लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाता है किस पे, इस रेट पर, वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम इस फाई को लिख लेते हैं अच्छे ढंग से, कि ई जो होता है माइनस डी फाई, फाई की जगह हो जाएगा बी ए। अब यहाँ पे ए जो है वो चेंज नहीं हो रहा, ये बी को चेंज कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ई माइनस ए को बाहर कर लेंगे, चेंज कर रहे हैं किसको, डी बी बाय डी टी को, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। तो ए कितना है, ए दिया हुआ है 8 और 2 सेंटीमीटर की साइड दी हुए हैं, दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई करो, दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई करो, एरिया आएगा, बट वो एरिया 16 cm² में आएगा, तो उसके मीटर बनाने के लिए हम 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास माइनस का 4, ठीक है। अब इसके बाद डिक्रीज हो जाता है आपका, आपका जो फील्ड है वो डिक्रीज हो जाता है कितने पे भाई, 0.02 तक डिक्रीज हो जाता है, मतलब उसने इस पूरे पोर्शन को दे दिया यहाँ पे, इस पूरे पोर्शन को यहाँ पे दे दिया डी बी बाई डी टी को। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, तो ये कितना दिया हुआ है और डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको माइनस ले लेंगे, माइनस 0.02 दिस, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करिएगा, आपके पास जो ये माइनस है और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो इसलिए प्लस आपके पास आ जाएगा कितना, 32 × 10⁻⁶ वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये आ गया ई। अब सिंपल सी बात है, अभी जब ई आ गया तो आई निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई क्या होता है ई बाई आर, तो ये हुआ 32 × 10⁻⁶। आर कितना गिवन है, आर कितना गिवन है आपके पास, आर है 1.6, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप इसको रेजिस्टेंस जो मैंने बोला है यहाँ पे ये वाला, तो ये ओहम में है भैया, ये ओहम में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1.6 का 10 ऊपर लगा, इसने इसको कट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 लिख दीजिए इसको, क्योंकि हम फिर इस माइनस सिक्स को माइक्रो लिख सकते हैं, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो ये हुआ आई, किसकी वैल्यू हुई, आई की वैल्यू। अब डिसिपेट पूछ रहा है पावर, तो पी इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, तो भैया आपने आप निकालना है इस चीज़ को, आई की वैल्यू रखना और आर गिवन है उसको रखना और अपना आंसर निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर, जो कि है आपका एडिशनल का क्वेश्चन, और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इट इज़ डिजायर टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए
पावरफुल लाउड स्पीकर मैग्नेट्स, ठीक है, मतलब एक पोल दे रखे हैं आपको मैग्नेट्स के, जैसे कि ये नॉर्थ होगा, ये एक साउथ होगा। तो नॉर्थ से साउथ कैसे चलता है फील्ड? ऐसे चलता है, फील्ड चलता है ऐसे। अब इसके बीच में क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला है स्मॉल फ्लैट सर्च कोयल ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर विद 25 क्लोजली वाउंड टर्न इज पोजिशन नॉर्मल टू द फील्ड। यहाँ पे एक कोयल रख दिया आपने, ये कोयल रख दिया, ठीक है, जिसके अंदर ये चीज़ें आपको गिवन है, 2 सेंटीमीटर इसका एरिया है, 25 इसके अंदर टर्न्स हैं क्लोजली वाउंड, ठीक है, एंड देन क्विकली स्नैच्ड आउट ऑफ ए फील्ड रीजन, एकदम से बाहर निकाल लिया जाता है। इक्विवेलेंटली वन कैन गिव इट क्विक 90 डिग्री टर्न्स टू ब्रिंग इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शन, सॉरी देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है इक्विवेलेंटली वन कैन गिव इट्स क्विक 90 डिग्री टर्न्स टू ब्रिंग इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शन, कि मतलब इसको हम इस तरह से मूव कर दें 90 डिग्री से कि इसका जो प्लेन है वो पैरेलल हो जाए, जो इसका प्लेन है वो पैरेलल हो जाए किसके, जो फील्ड है हमारा, ठीक है। चलिए उसके बाद द टोटल चार्ज फ्लोन इन द कोयल बाय ए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू ए कोयल इज 7.5 मिली कूलम, मतलब यहाँ पे चार्ज भी दे दिया आपको। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कोयल एंड गैल्वेनोमीटर इज 0.5 ओम, एस्टिमेट द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, यहाँ पे ये आपसे मैग्नेट की स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो इसको आपको अब करना पड़ेगा। और देखिए इसको कैसे करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में हमें इसको कैसे रखा था, हमने इसको रखा था बिल्कुल कि इसका जो प्लेन है परपेंडिकुलर था किसके, फील्ड के साथ, ठीक है, कि इसका प्लेन ऐसे है और ये ऐसे फील्ड जा रहा है, तो बट एरिया वेक्टर और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इनिशियल फ्लक्स जो हमें बनेगा, जो इनिशियल फ्लक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, वो लिखेंगे हम एन बी ए कॉस थ्रीटा एंड थ्रीटा इज 0 डिग्री, ठीक है। तो एन कितना दिया हुआ है, एन आपके पास कितना है 25 दिया हुआ है, 25 टर्न्स दी हुई हैं। बी कितना दिया हुआ आपके पास, हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, उसने बोल ही दिया। एरिया कितना है, एरिया इस कोयल का दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, बट उसे हमें बनाना है मीटर स्क्वायर में, तो इसलिए 2 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं। तो इनिशियल फ्लक्स आपके पास आ जाएगा और वो होगा 50 × 10⁻⁴ और साथ में आएगा बी, क्योंकि बी हमें निकालना है। अब ये बोल रहा है कि जो फाइनल फ्लक्स है थ्रू द कोयल 0, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको 90 डिग्री पे शिफ्ट कर दोगे तो इसका जो प्लेन होगा और जो फील्ड होगा उनके बीच में, मतलब जो प्लेन होगा और फील्ड होगा उनके बीच में एंगल 0 है, बट एरिया वेक्टर एंड फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 0, सॉरी, जब आप इसको ऐसे कर दोगे तो इसका जो प्लेन है उससे जो एरिया वेक्टर जा रहा है वो नीचे, ठीक है, और फील्ड जा रहा है इधर, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोस 90 कितना होता है, 0, तो इसलिए फाइनल फ्लक्स जो होगा, इसलिए जो फाइनल फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो इंड्यूस ईएमएफ हम इजीली निकाल लेंगे, इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालते हैं, माइनस फाइनल कितना है 0, माइनस इनिशियल कितना है 50, ठीक है, 10⁻⁴ बी, टाइम कितना लिया टी, ऐसे, ठीक है, ये बोल दिया हमने, टाइम कितना लिया टी, ये बोल दिया। अब इसके बाद तो ई की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, वो आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे 50 × 10⁻⁴ / t और ये b, ठीक है। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे उसने चार्ज दे दिया, अब आपको क्या दे दिया, चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज की वैल्यू होती है करंट इनटू टाइम, तो करंट इनटू टाइम वो हमें अब निकालना है। तो करंट कैसे निकालते हैं, करंट निकालते हैं e बाय r से, e कितना है 50 × 10⁻⁴ b/r, ठीक है, एंड r कितना है, r कितना है 0.5 दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 0.5, मतलब यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 50 × 10⁻⁴ b/0.5, साथ में है r, और टाइम, टाइम ये रहा t, कितना है ये रहा। अब एक चीज़ देखो, इसका भी तो टाइम आ रहा था यहाँ पे, ठीक है,
एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हमने ये चीज़ की गलती की है कि इसको यहाँ पे r की वैल्यू तो रख दी है, यहाँ पे t रखना था, तो t से t कैंसिल हो गया। अब इस 0.5 का यहाँ पे 10 लग गया, तो ये आ गया 50 × 10−4 और 10/5, तो ये कट गया इससे। तो आपके पास बचा 10 × 2 × 10−4, मतलब 10−2 b बचा, क्योंकि b चलता आ रहा था पीछे से। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू इज इक्वल टू है 10−2 b के, और चार्ज गिवन है। चार्ज कितना आपके पास 7.5 × मिली है, मिली −3, −2 नीचे चला गया और यहाँ पे हो गया b। आप आंसर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10th हमारे इस वन शॉट का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर। तो क्वेश्चन नंबर 11th पर मूव करते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है जिसमें फील्ड जो है वो क्रॉस होके जा रहा है, मतलब इस प्लेन को क्रॉस करके जा रहा है, इनवर्ड है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके अंदर एक लूप रखा है और इसके बारे में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो लूप है वो स्टेशनरी है, मतलब एरिया यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है, एरिया जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जो चीज़ें गिवन होती है उसको एक बार सोचा करो। बट द करंट फीडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेजुअली रिड्यूस, मतलब यहाँ पे जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो एरिया है वो तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग है। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा आपसे, और इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि जो फील्ड है वो 0.3 टेस्ला टू कहाँ पे चला जाता है, 0.02 टेस्ला सेकेंड इनवर्स पर चला जाता है। इफ़ द कट इज जॉइंड एंड द लूप हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 1.6 ओम, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड बाय द लूप एज हीट, वट इज़ द सोर्स ऑफ दिस पावर, उसकी बात में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने पूछा हमसे पावर, क्या पूछा इन्होंने हमसे पावर पूछा। पावर का फॉर्मूला होता है I² R, तो मतलब आपको पहले चाहिए I, एंड I कहाँ से निकलेगा, E/R से निकलेगा, एंड पहले आपको चाहिए E आपको निकालना है पहले। ठीक है, चलिए तो पहले E निकालते हैं। E निकालने का तरीका सिंपल, हमें पता है कि E कैसे निकालते हैं, −dΦ/dt से निकालते हैं E, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, E = −dΦ/dt, फाई इज बी ए। इन्होंने अपनी कंडीशन में बोल दिया है कि हम ए को तो सेम रख रहे हैं, तो मतलब E = −a dB/dt है। ठीक है, तो E = −a, माइनस ए कितना दिया हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 8 और 2 ब्रांच दी हुई हैं सेंटीमीटर में, 16 सेंटीमीटर स्केयर आएगा, उसको आप मीटर बनाइए तो आपको मिलेगा, माइनस ये है ये पहले से 16 × 10−4 मीटर में बना दिया। ठीक है, इसके बाद फील्ड आपका इतना हो जाता है, फील्ड आपका इतना हो जाता है, रिड्यूस है तो इसलिए माइनस, तो मतलब −0.02, तो ये माइनस एंड ये माइनस हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्लस, और आप इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे लगाओ 100 इसके नाम का, ये 100 ऊपर चला जाएगा और आपके पास बन गया कितना, 32 × 10−6 और EMF है तो ये बन गया वोल्ट। ठीक है, तो मतलब I = E की वैल्यू हमें मिल गई 32 × 10−6 अपॉन रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ कितना 1.6, ये 1.6 अब कट कर लो आप ऊपर वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे लग गया नीचे से पॉइंट का 10, तो इसने इसको कट कर दिया यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास 20 × 10−6 एम्पियर। ठीक है, अब आपसे वो पूछ रहा है पावर डिसिपेट, तो I² R होता है भैया, होता है ना I² R, तो I कितना है 20 × 10−6 उसका स्केयर करना है, और R कितना है गिवन है 1.6। आई थिंक इतने क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस तरह के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो लगता है कि इतने सारे क्वेश्चन इस पावर डिसिपेशन के करके हमें लगता है कि आपको ये सारी चीज़ अब समझ में आ गई होगी। और ये क्वेश्चन जो आपको पता है कि ये एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th फिर से वही है, एडिशनल का क्वेश्चन है ये। क्या कहना चाहता है ये आपको ध्यान से सुनिएगा, ये कहना चाहता है स्केयर लूप है आपके पास, स्केयर लूप ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 है साइड, क्योंकि वो स्केयर है तो सारी साइड उसकी 12 12 है। इट्स साइड्स पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, इसकी जो साइड्स हैं वो एक्स एंड वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कि जैसे कि ये रहा आपके पास वाई एक्सिस और ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसकी जो साइड्स हैं वो इस तरह से हैं, ये y एक्सिस के पैरेलल है और इधर ये
एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बना दी, डायग्राम को बनाते चलिए, ठीक है। इज मूव्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 8 सेंटीमीटर इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब ये विद वेलोसिटी वी के साथ और जिसकी वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड के साथ ये ऐसे मूव करता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करता है, ठीक है। कंटेनिंग ए मैग्नेटिक फील्ड इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, कंटेनिंग ए मैग्नेटिक फील्ड इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, मतलब फील्ड जो है वो हमारी तरफ आ रहा है और मतलब जेड डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको बना सकते हैं हम डॉट से, ठीक है। किससे बना सकते हैं, डॉट से, मतलब फील्ड ऐसे है, फील्ड ऐसे है, बाहर आ रहा है, क्योंकि क्रॉस बनाते तो इनवर्ड होता, ठीक है, और ये जेड डायरेक्शन की तरफ बता रहा है, तो जेड डायरेक्शन को आप ऐसे बना सकते हो कि फील्ड आ रहा है हमारी तरफ, ठीक है। तो भैया अभी तक मैंने जो डायग्राम बताया इन्होंने उसके अकॉर्डिंग किया है। आगे ये बोल रहा है, द फील्ड इज नाइदर यूनिफॉर्म इन स्पेस नॉर कॉन्स्टेंट इन टाइम, ना तो फील्ड यूनिफॉर्म है स्पेस के अंदर और ना ही वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इट हैज़ ए ग्रेडियंट ऑफ 10-3 टेस्ला पर सेंटीमीटर अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, दैट इज इंक्रीजिज बाय 10-3 टेस्ला पर सेंटीमीटर एज वन मूव्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड इट डिक्रीजिंग इन टाइम एट द रेट ऑफ 10-3 टेस्ला पर सेकेंड। डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप इफ़ इट्स रेजिस्टेंस इज 4.50 मिली ओम, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सारी कंडीशन दे दी, किस तरह से इसकी अरेंजमेंट है वो हमने समझ ली है। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। देखिए यहाँ पे जो हर एक साइड है स्क्वायर लूप की वो 12 सेंटीमीटर है, तो इन्होंने बोला कि जो फील्ड है वो डिक्रीज हो रहा है किस डायरेक्शन में, मतलब ये इसको मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसके लिए जो फील्ड होगा वो डिक्रीज होगा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहले हम एक्स डायरेक्शन में इसको डिक्रीज जो हो रहा है फील्ड उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैसे कि भैया डी बी बाय डी एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन जो डिस्टेंस है वो भी तो चेंज हो रहा है, और इन्होंने स्पेशली बोला इन स्पेस, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, उसकी वैल्यू इन्होंने ये दी हुई है 10-3 टेस्ला सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, हो गया इतना। चलिए जी, तो इसको लिख दिया हमने कितना, db इज इक्वल टू -10-3 टेस्ला सेंटीमीटर इनवर्स। माइनस क्यों लिखा है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद इसको पहले मीटर बना लो, तो -0.1 टेस्ला मीटर इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि 100 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और वो 100 चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो जो भी चेंज बनता है वो आप इजिली कर सकते हो और आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो मैंने लिखी हुई है। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन इसने बोली थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होता है विद टाइम, यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला था नॉट कॉन्स्टेंट है, मतलब इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, और स्पेशली बता भी दिया है, ये देखिए डिक्रीजिंग इन टाइम एट द रेट ऑफ -10-3 टेस्ला सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलिए तो अब इसको भी लिख लेते हैं, तो अभी तक जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो मैं लिख रहा हूँ db/dt, कि जो फील्ड है वो टाइम के अकॉर्डिंग भी घट रहा है, तो -3 टेस्ला सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। अब इंड्यूस ईएमएफ कैसे होगा, अब एक चीज़ देखो, जब ये कॉइल बाहर की तरफ जा रही है तो क्या चीज़ चेंज हो रही है, जब ये कॉइल बाहर की तरफ जा रही है तो क्या चीज़ चेंज हो रही है, इसके साथ जो फील्ड अटैच्ड है वो चेंज हो रहा है, और वैसे भी हमने दोनों बार में फील्ड अटैचमेंट को ही चेक किया है, चाहे वो डिस्टेंस की फॉर्म में हो, स्पेस में हो, चाहे वो टाइम की फॉर्म में हो, ठीक है। तो मतलब दोनों ही केस में बी चेंज हो रहा है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो -d/dt यहाँ फाई लिखेंगे, ठीक है, फिर -d/dt, अब फाई किससे लिखते हैं, फाई लिखते हैं हम बी ए से, तो ए हमने बाहर कर दिया और अंदर रह गया db/dt, ठीक है। तो अब सिंपल है कि E इज इक्वल टू -a, a कितना है वो मैंने बता ही दिया है, इसकी साइड है कितनी 12 सेंटीमीटर, तो अब कर लो उसको 12 सेंटीमीटर को पहले क्या बना लो, मीटर बना लो, तो मतलब 0.12 इंटू 0.12, क्योंकि दो बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया के लिए, एंड ये पोर्शन कितना दिया हुआ आपको db/dt, ये दिया हुआ है 10-3, तो इसको सोल्व करिएगा, आपके पास आपका आंसर आएगा 144 × 10-7 वोल्ट। ये जब है जब आप टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हो, इसी तरह से आप स्पेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, उसमें आप क्या करना है आपको, उसमें आपको यहाँ पे बी कर सॉरी
यहाँ पे क्या करना है, डी बी बाई डी टी, फाई कितना होता है बी ए, ठीक है, बट डी टी की जगह यहाँ पे एक्स कर देना, तो माइनस ए डी बी बाई डी एक्स। तो बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन है, वो आपको यहाँ पे करनी है। तो एक बार में आपके पास ई एम एफ आ जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग, और एक बार में आपके पास ई एम एफ आ जाएगा एक्स के अकॉर्डिंग, मीन स्पेस के अकॉर्डिंग। तो नेट ई एम एफ निकालिए, नेट ई एम एफ कितना आएगा, ई एक्स प्लस ई टी, और आपके पास आपकी करंट पूछ सकता है, तो ई नेट बाय आर करिए, आपका करंट आ जाएगा। इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा बुक के अंदर, एंड एक बेस्ट क्वेश्चन है ये एडिशनल एक्सरसाइज का, ठीक है। तो आई थिंक सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, काफ़ी टाइम लग रहा है समझाने में, बट अच्छा जा रहे हैं हम, अच्छे से कर रहे हैं। आप भी बीच में लाइक शेयर ठोक दिया करो, ठीक है, लाइक तो एक ही बार करोगे, शेयर बार बार कर दिया करो, जो भी चीज़ें हैं आपकी जिनके पास आप शेयर कर सकते हो तो उनको आप शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये फिर से आपका जो है भैया एडिशनल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 13 कौन सा है, एडिशनल का क्वेश्चन है। तो एडिशनल का क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पे, ये देखिए ये एडिशनल का क्वेश्चन है, स्पेशली मेंशन किया हुआ है। क्या बोला है इसके अंदर, इसने बोला है एन एयर कोल्ड सोलेनोइड विद लेंथ 30 सेंटीमीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक सोलेनोइड है आपके पास, क्या है आपके पास, एक सोलेनोइड है जिसके बीच में एयर है, हवा भरी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर टर्न्स कितने दे रखी है, मीन्स उसकी जो लेंथ दे रखी है, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 30 दे रखी है, ठीक है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है वो आपको 25 दे रखा है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसके अंदर जो टर्न्स दे रखी हैं वो दे रखी हैं 500 टर्न्स, ठीक है, और फिर करंट दे रखा है वो दे रखा है 2.5 एम्पियर का। अब ये बोल रहा है द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन ए ब्रीफ टाइम ऑफ 10-3 सेकेंड, कि करंट एकदम से कम हो जाता है, करंट जो है एकदम से करंट हो जाता कम हो जाता है, कितना टाइम लेके, 10-3 सेकेंड लेके। हाउ मच इज द एवरेज बैक इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट, इग्नोर द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है, ये कंडीशन दे दी है कि आपको इग्नोर करना है जो वेरिएशन हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की इसके सिरों के अक्रॉस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि एवरेज बैक ईएमएफ कितना बनता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मतलब हमारा इनिशियल फ्लक्स है वो निकालना पड़ेगा, फिर फाइनल निकालना पड़ेगा, इस तरह का कुछ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले करते हैं कि जो फील्ड होता है सोलेनोइड के साथ वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई होता है, ठीक है, इतना हमें क्लियर है। अब देखिए, अब जो n होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, म्यू नोट कैपिटल N अपॉन L I से लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं, क्योंकि हमें स्मॉल n नहीं दे रखा, कैपिटल N दे रखा है, तो हमने ये कर दिया, चलिए अब इतना हो गया है, वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ से हम अब क्या करते हैं, इनिशियल फ्लक्स निकालते हैं। इनिशियल फ्लक्स कैसे निकालते हैं, बी ए कोस थ्रीटा जो भी होता है, और फ्लक्स सोलेनोइड के अंदर क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स होता है उसी डायरेक्शन में इसका एरिया होता है, तो इसलिए जीरो एंगल मिलेगा, और कोस 01 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कोस थ्रीटा को नहीं लिखते, बट यहाँ पे टर्न्स दे रखी हैं तो हम यहाँ पे एन जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो इनिशियल फ्लक्स आपके पास क्या बनेगा, इनिशियल फ्लक्स बनेगा बी, बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नोट एन आई अपॉन एल ए, और साथ में ये रहा आई, तो ये हुआ हमारा इनिशियल फ्लक्स। जितनी वैल्यू हैं सारी पुट कर दो इसके अकॉर्डिंग जो आपको गिवन है, तो म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है, 4π 10-7 होती है, एन कितना है 500 है, ठीक है, और एक एन यहाँ पे पहले से पड़ा था, एक एन यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे स्केयर होना था, ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्केयर कर दो, और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लिखना है भैया क्या, आई लिखना है आपको, क्या लिखना है, आई लिखना है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसको मैं ढंग से लिख दूँ, ये यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, तो आई कितना दिया हुआ भाई, आई दिया हुआ 2.5, ठीक है, एंड एरिया कितना दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, बट उसको मीटर बनाएंगे तो 25 10-4 बन जाएगा। नीचे आ जाएगा क्या, लेंथ, लेंथ कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर, तो उसको भी मीटर बनाएंगे तो 30 × 10-2 बन जाएगी। तो मतलब इनिशियल फ्लक्स जब आप सोल्व कर लोगे आपके पास आएगा 6.54 × 10⁻³ वेबर, यह है इनिशियल फ्लक्स। अब वो क्या बोल रहा है, द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन ए ब्रीफ टाइम, करंट बिल्कुल जीरो हो जाता है भाई। अगर करंट जीरो है
अगर करंट जीरो है तो इसका मतलब वहाँ पे फ्लक्स जीरो है, कॉमन सी बात है। तो फाइनल फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या निकालना है, एवरेज ईएमएफ निकालना है, मतलब बैक ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं, तो वो वही है, फाइनल माइनस इनिशियल करिए अपॉन टाइम लिखिए जितना टाइम आपको दिया हुआ है। तो ई आ गया आपके पास कितना, माइनस पैकेट में कितना है जीरो, माइनस 5151 कितना है 6.54 इंटू 10 माइनस 3 अपॉन टाइम कितना है 10 माइनस 3। सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा 6.54 वोल्ट। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कहता है, ए सर्कुलर कॉइल है आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक कॉइल है आपके पास, ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और टर्न्स है उसके अंदर 20, रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायामीटर। वर्टिकल डायामीटर से इसको घुमाया जाता है, मतलब इसको ऐसे घुमाया जाता है कि देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास एक हमने कॉइल ली, ऐसे ये कॉइल है, ठीक है, इसका एरिया भी ऐसे है, एरिया वेक्टर, और इसका भी यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसको ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है इसके डायमीटर से विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। चलिए आगे ये बोल रहा है, वो स्पीड उसने दी हुई है जो भी बोल रहा है, उसके बाद फील्ड भी बता दिया है। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इफ द कॉइल फॉर्म्स ए क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ओम। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कॉइल, कैलकुलेट द एवरेज लॉस। देखिए अगर आप करंट निकाल लोगे तो आपको ई निकालना पड़ेगा, एंड जब ये सारी चीज़ें निकाल लोगे तो पावर डिसिपेट तो देखो निकाल सकते हो। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ईएमएफ इंड्यूस निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। समझते हैं इस चीज़ को, ये क्या कह रहा है, दोबारा से इसको समझते हैं। एक सर्कुलर कॉइल लूप है आपके पास जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, टर्न्स है इसके अंदर 20, रोटेट किया जाता है इसको इसके वर्टिकल डायमीटर से विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड, इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.0 × 10−2 टेस्ला। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इफ द कॉइल फॉर्म्स ए क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है, 10 ओम। कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस, कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल्स हीटिंग, वेयर डज दिस पावर कम्स फ्रॉम, तो वो भी बताएंगे। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टाइम लिया कि यहाँ पे अभी टाइम कितना था, जीरो था, तब जाके ये ऐसे घूम रही है। अगर मतलब ये टाइम जीरो पे ये बिल्कुल ऐसे है, सीधी की खड़ी हुई है, लेकिन जैसे ये विद एंगुलर वेलोसिटी घूमेगी, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ एक एंगल तो बनेगा ना इसका बी और ए के साथ, बी और ए के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, मतलब ये ऐसे शिफ्ट हो सकती है कि ये रहा आपके पास वो कॉइल, ये कॉइल है, ठीक है, ये रहा इसका क्या बी, और ये घूम रही है तो इसका एरिया इधर भी शिफ्ट हो सकता है, तो मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ एक एंगल बन गया, और ये एंगल हमने बताया कितना, ओमेगा टी, क्योंकि थ्रीटा को ओमेगा टी ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो हम फ्लक्स निकाल लेते हैं पहले, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, बी ए कॉस थ्रीटा इज ओमेगा टी, थ्रीटा इज ओमेगा टी, ठीक है। तो फाई आ गया आपके पास बी ए कॉस ओमेगा टी, बट हम सीधा बात करते हैं किसकी, ईएमएफ की, सीधा हम बात कर लेते हैं ईएमएफ की। तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे, ईएमएफ को कैसे निकालेंगे, ईएमएफ हम निकाल सकते हैं कैसे, माइनस डी बाय डी फाई बाय डी टी, और ये हुआ माइनस बी ए डी कॉस ओमेगा टी बाय डी टी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके मन में ये आया होगा कि यहाँ पे इसको क्यों चेंज किया है, क्योंकि देखिए एंगल चेंज हो रहा है, जब ये चीज़ घूमेगी ऐसे तो यहाँ पे एंगल ही चेंज होगा, ना तो कोई फील्ड चेंज होगा ना कोई एरिया चेंज होगा, सिर्फ एंगल चेंज होगा, इसलिए हमने एंगल को ही डिफरेंशिएट की फॉर्म में रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम जब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा E इज़ इक्वल टू माइनस बी ए, अंदर मिलेगा इसको करेंगे तो कॉस को करेंगे तो साइन ओमेगा टी, और इसके साथ एंगल को करेंगे तो ओमेगा, और वो माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ई की वैल्यू आ गई बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गई हमारे पास। तो भैया ई मैक्सिमम आपको निकालना है, ई मैक्सिमम कब हो सकता है, ई मैक्सिमम कब हो सकता है,
ई मैक्सिमम तब हो सकता है जब आपका साइन ओमेगा टी कितना हो जाए, वन हो जाए। ठीक है, ई मैक्सिमम आपका कब हो सकता है, जब साइन ओमेगा टी आपका क्या हो जाए, वन हो जाए। कॉमन सी बात है, क्योंकि हमें यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ बोली हैं, इन्होंने बोली है एवरेज और एक मैक्सिमम। देखो यहाँ पे देखो, मैक्सिमम और एवरेज। एवरेज तो देखो सिंपल सी बात है, जीरो ही होता है। एवरेज ईएमएफ जो होता है, एवरेज ईएमएफ अगर हम ईएमएफ का जो है एवरेज निकालें तो वो जीरो होता है ओवर ए साइकिल, ओवर ए साइकिल। बट हम मैक्सिमम तब कर सकते हैं जब साइन ओमेगा टी वन हो। तो मतलब ई मैक्सिमम हमें कैसे मिलेगा, बी ए ओमेगा से मिलेगा। ठीक है, तो सारी वैल्यू आपके पास गिवन है, पुट करिए, आपके पास आंसर आएगा 0.603 वोल्ट, 0.603 वोल्ट। एंड आई मैक्सिमम पूछ रहा है, तो आई मैक्सिमम आप कैसे निकाल सकते हो, ई मैक्स अपॉन आर से निकाल सकते हो। तो ई मैक्स आपके पास आ गया है, आर आपके पास गिवन है, तो वो कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है। ठीक है, वो कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, तो उसको पुट करिए और आंसर आ जाएगा। पावर लॉस मैं कितनी बार समझाऊँ, हाफ इज इक्वल टू वी आई भी होता है। ठीक है, देखिए वैसे तो आपका पावर होता है वी आई, लेकिन वो एवरेज बोल रहा है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो टू से। ठीक है, उसको आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जितने भी ये क्वेश्चन हमने किए हैं अभी तक। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिए हैं, टोटल 25-26 क्वेश्चन रहने वाले हैं वन शॉट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ना तो इस पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है और ना ही इस पर कोई एडिशनल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर दी हुई है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो देखो ईस्ट टू वेस्ट मैंने कैसे बताया था, कैसे लिख सकते हो, नेवर ईट सोगी वेफल्स। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये बना लिया, क्या चीज़ भैया, यहाँ पे हमने बना ली जो इन्होंने पोजीशन दी हुई है। अब ये बोल रहा है जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग की है, एक्सटेंड हो रही है ईस्ट टू वेस्ट हो रही है। तो मतलब ऐसे रखी हुई है, ये ईस्ट टू वेस्ट है, ये क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है हमारे पास। ठीक है, अब आगे बोल रहा है एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 0.3010-4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके राइट एंगल कैसे हो सकता है, फील्ड क्रॉस कर रहा होगा, इसके राइट एंगल कैसे हो सकता है फील्ड कि क्रॉस कर रहा होगा इसको। ठीक है, या तो फील्ड यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा, या फील्ड इसको क्रॉस कर रहा होगा, कि मतलब या तो फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड होगा या क्रॉस कर रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। हो गया इतना, ठीक है। तो पहले बात में ये आपसे क्या पूछ रहा है, पहले बार में ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस इन द वायर, व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस इन द वायर। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, अभी हमें यहाँ पे फर्स्टली डिफाइन करना है, डिसाइड करना है कि जो यहाँ पे जो फील्ड है वो क्रॉस है या डॉट है, पहले हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, देखिए अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि जो बी है वो कैसे जा रहा है, उसको हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। हमें पता है कि जो फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होती है, मतलब वो नॉर्थ से चलता साउथ में एंटर करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम अर्थ मैग्नेटिज्म को सोचें, उसमें क्या होता है, जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ होता है उसके हिसाब से कैसे फील्ड चलता है। देखिए, अगर हम अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ से सोचें तो फील्ड कहाँ पे जाता है, साउथ से नॉर्थ जाता है, साउथ से नॉर्थ जाता है। अगर जियोग्राफिकल को देखें, मैग्नेटिक की बात नहीं कर रहा मैं, अंदर की बात नहीं कर रहा, बाहर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अर्थ के जियोग्राफिक साउथ में अंदर नॉर्थ पड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो साउथ से नॉर्थ दिख रही है हमें अर्थ के ऊपर, जियोग्राफिक मतलब साउथ से नॉर्थ मतलब क्रॉस दिख रही है। मतलब हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये रही आपके पास आपकी रोड इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर जो फील्ड है वो इस तरह से है, ऐसे ऐसे बना सकते हैं हम इजिली। ठीक है, हो गया इतना। अब ये कितनी लंबी है भैया, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या था हमारा, ईस्ट था, यहाँ पे क्या था हमारा, वेस्ट था। ठीक है, और ये अब फील्ड जा रहा है कैसे, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, अंदर की तरफ दिखा दिया हमने। ठीक है, अब
ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि ये विद स्पीड वी, मतलब विद स्पीड ऑफ 5 meter per second ये फॉल कर रही है, कहाँ से, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 meter per second सॉरी ये फॉल इस तरह से कर रही है 5 meter per second एट द राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल मैग्नेट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कि जो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, राइट एंगल मतलब 90 degree का, और वो फील्ड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपके पास कितना 0.30 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन द वायर। तो पहले पार्ट का सिंपल सही आंसर है कि भैया इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, बी वी एल होगा, और बी कितना है, गिवन है, कितना गिवन है 0.3 × 10⁻⁴, बी की वैल्यू कितनी है 5, एल की वैल्यू कितनी है 10 meter है, बट मीटर इसको सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ तो मीटर ही दिया हुआ तो डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं करना, अब तो भैया डिवाइड करो, इसके 0.30 के नीचे 100 लगा दिया, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, ये इसको कट कर देगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 15 × 10⁻⁴, या फिर आप लिख दो 1.5 mV। तो ये आ गया आपके पास ई, इंड्यूस ईएमएफ आ गया। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है क्या, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि जो वायर है वो कौन सा एंड उसका हायर पे है, कौन सा लोअर पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा जो राइट एंड है वायर का वो हायर पोटेंशियल पर है, जो राइट एंड है वो हायर पोटेंशियल पर है। ठीक है, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, फील्ड जा रहा है अंदर और ये वी विद वेलोसिटी वी के साथ नीचे फॉल कर रही है। ठीक है, फील्ड जा रहा है अंदर और विद वेलोसिटी वी के साथ ये फॉल कर रही है। तो मैंने एक आपको राइट लेफ्ट हैंड रूल बताया था, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली बता दोगे कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है करंट की वो इस तरह से, मतलब पॉजिटिव साइड की जो चीज़ है वो आपकी हायर पोटेंशियल पर है। ठीक है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये आपका हायर पोटेंशियल पर होगा, किस पे होगा, हायर पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी भैया, अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ तो कम से कम एटलीस्ट आप बता सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आप सोचिएगा, थोड़ा सा सोचना है बस आपको, थोड़ा सा, अगर आपको हायर पोटेंशियल पता लग गया ना तो डायरेक्शन आप इजीली बता सकते हो, डायरेक्शन आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ होगी, वेस्ट टू ईस्ट होगी। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बनना चाहिए फील्ड, तो वो क्या होगी आपकी, वेस्ट टू ईस्ट होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दिया हुआ है इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक मेटेलिक रोड है आपके पास ऑफ 1 meter लेंथ इज रोटेटेड विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 revolution per second विद वन एंड हिंग्ड एट द सेंटर एंड अदर एंड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर मेटेलिक रिंग ऑफ रेडियस 1 meter अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एज शोन इन फिगर। तो फिगर यहाँ पे बना देते हैं, मैंने बनाई नहीं है, मैं बना देता हूँ भैया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऐसे फील्ड दिया हुआ है, ये फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, और इस फील्ड के अंदर ये एक रोड रोटेट करवा रहे हैं जिसका एक एंड जो है वो फिक्स है, एक एंड जो है वो फिक्स है भैया। ठीक है, एक एंड जो है वो फिक्स है। ठीक है, इस तरह से ये एक चक्कर बनाएगी और इसकी जो लेंथ है वो L है। कितनी लेंथ है, L लेंथ है, इतना ये डायग्राम इन्होंने दिया हुआ था। और इसका जो रेडियस है वो आपको पता ही है, 1 meter दिया हुआ है, 1 meter। ठीक है, अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, अब ये आपसे पूछ रहा है ए कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 tesla पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ए कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 tesla इज पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस कहाँ पे है इसका, पीछे की तरफ है और उसी डायरेक्शन में आपका फील्ड है तो मतलब पैरेलल है। व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटेलिक रिंग, मतलब वो पूछ रहा है आपका ईएमएफ यहाँ पे और इस रिंग में कितना बनेगा। ठीक है, तो जब भी आपका एक सिरा फिक्स हो और दूसरा ऐसे सर्कल बना रहा हो तो वहाँ पे आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी,
एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि देखो हमें पता है कि अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो वो बी एल वी से निकलता है। फर्स्टली हमें वी चाहिए क्योंकि बी हमें पता है, ठीक है, बी हमें पता है, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे कि इस तरह से बी की जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये दे रखी है 1 टेस्ला। कितनी दे रखी है? 1 टेस्ला दे ही रखी है, ठीक है। तो पहले हमें वी चाहिए, वो वी कैसे निकल सकता है? केस याद रखना कि जब भी एक सिरा फिक्स हो, दूसरा ऐसे घूम रहा हो तो वहाँ पे आपको वी निकालना पड़ेगा पहले, और वी एवरेज निकालना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में तो जीरो ही है, ठीक है। देखिए जो वी होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? आर ओमेगा होता है। वी इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा, ठीक है। वी इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। और यहाँ पे आर कितना है? एल है, और साथ में ओमेगा, तो वी की वैल्यू ही एल ओमेगा। तो एल ओमेगा एवरेज निकालनी है तो 2, तो एल ओमेगा बाय 2 आ गया। तो मतलब यहाँ पे ई इज इक्वल टू बी एल, वी की वैल्यू है एल ओमेगा बाय 2, एल ओमेगा बाय 2, ठीक है। ये क्या चीज़ है हमारे पास? ये है हमारे पास वेलोसिटी। तो यहाँ पे बन गया E इज इक्वल टू बी एल, दो बार है तो एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। तो B दे रखा भाई कितना? B दे रखा कितना? 1। लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास? लेंथ दे रखी है कितनी? 1 मीटर। उसका स्क्वायर करेंगे तो एक ही बात है, ठीक है। फिर ओमेगा, ओमेगा कितना होता है? ओमेगा होता है 2 पाए फ्रीक्वेंसी। कई बार पढ़ा हमने 2 पाए फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी गिवन आपको 50, तो ये हो गया कितना? 100 पाए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 पाए, हो गया क्लियर, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास 100 पाए, नीचे हमारे पास 2, तो हमारे पास कितना आ गया? अब हमारे पास, अब जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 157 वोल्ट आ जाएगा, 157 वोल्ट। एग्जैक्ट आंसर की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें हम पाई की वैल्यू को ओपन कर देंगे, जिसमें हम पाई की वैल्यू को ओपन कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 157। मेन चीज़ समझने की थी इसमें कि जब भी कोई चीज़ ऐसे घूमेगी तो उसमें आपको वी चाहिए, एंड वी कैसे आएगा? एवरेज आएगा एक इसके और इसके बीच का। स्टार्टिंग में तो जीरो ही है, बाद में कितनी है? वी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? आर ओमेगा, एंड आर कितना दे रखा है? लेंथ थी उसकी, रोड की लेंथ थी ना, जितनी लेंथ से वो घूम रही थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यूज़ कर लिया और हमारा आंसर हो गया। और यह था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ आपके पास? इन्होंने बोला है ए व्हील विद 10 मेटेलिक स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद ए स्पीड ऑफ 120 रेवोल्यूशन पर मिनट इन ए प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एच ई एट ए प्लेस। इफ एच ई 0.4 गोस एट द प्लेस, व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील? एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील, वही है सेम टू सेम जैसे कि एक्सल होता है, ये बीच वाला पार्ट, ठीक है। और इसके साथ ये बनाएगा एक रिम ऑफ द व्हील ऐसे, ठीक है। ये आपको बताएगा भैया, ठीक है। तो इसको एक्सल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिड में बना लेते हैं। ये रहा ऐसे, ये एक्सल है हमारा, क्या है ये? ये हमारा एक्सल है, ठीक है। ये हमारा रिम है, वही केस है बिल्कुल जैसे पहले था, सिर्फ हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे कि ये कितना है, रेडियस है ये, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको गिवन क्या है कि जो व्हील है उसके पास 10 मेटेलिक स्पोक्स हैं और वो रोटेट कर रहा है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, और किस प्लेन में कर रहा है? नॉर्मल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्टली हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकाल लेंगे? फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे किसकी? व्हील की। वो निकाल लेंगे हम कैसे? उन्होंने दी है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो उसको पहले सेकंड बना लेते हैं, तो सेकंड के लिए आ जाएगा नीचे 60। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास? फ्रीक्वेंसी आ गई 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा सेकंड में लेते हैं, पर सेकंड में। तो एंगुलर की बात करें तो 2 पाए फ्रीक्वेंसी, ये कितना हुआ? 2 पाए इंटू 2, तो ये हुआ 4 पाए। एंड फ्रीक्वेंसी की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड होती है, कितनी होती है? रेडियन पर सेकंड। अब वही सेम टू सेम वही फॉर्मूला जो पिछले में निकाला था वही तो है ये कि एक सिरा फिक्स है दूसरा घूम ही जा रहा है, तो मतलब E इज इक्वल टू क्या? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ये फॉर्मूला लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। तो E इज इक्वल टू बी, बी कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 0.4, ठीक है। ओमेगा दिया हुआ है 4 पाए, और साथ में आपके पास दिया हुआ है L, L कितनी है?
एल है आपके पास 0.5 मीटर लॉन्ग दी हुई है। एल कितनी दी है 0.5 मीटर लॉन्ग, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.25। नीचे आ गया आपके पास कितना 2। ठीक है, अब एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि जो यहाँ पे हमें बी दिया हुआ गोज में दिया हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा साथ में इसके 10 माइनस 4, क्योंकि देखो 0.4 गोज दिया हुआ है, तो 0.4 गोज इंटू 10 माइनस 4 टेस्ला बन जाएगा। ठीक है, तो ई की वैल्यू आप इस तरह से फाइंड आउट कर लोगे और ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट करना आपका आंसर आ जाएगा, एंड आंसर आएगा आपका, एक मिनट चेक करने दीजिए, 0.0628 मिली वोल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान है, सेम टू सेम है, एक ही चीज़ यूज़ होगी इसमें। मैं बता देता हूँ कि इज इक्वल टू फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, बी ओमेगा एल स्केयर बाय 2 लगेगा। तो इसको यूज करना, सारी चीज़ें गिवन है, आप इजिली कर लोगे इसको। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर यहाँ पे क्या है, एक जेट प्लेन आपको बताया हुआ है। ए जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आर। 1800 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से कोई जेट प्लेन चल रहा है और वो जा रहा है किसकी तरफ, वो जा रहा है भैया वेस्ट की तरफ। ठीक है, पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं अपनी, कि ये रही आपके पास इस तरह से, नेवर ईट सोगी वेफल्स। ठीक है, तो आपका जो प्लेन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपका प्लेन जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। ठीक है, कितनी स्पीड पे जा रहा है, 1800 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा है। व्हाट इज़ द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग, बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग हैविंग ए स्पैन ऑफ 25 मीटर, हैविंग ए स्पैन ऑफ 25 मीटर, इफ़ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 × 10⁻⁴ टेस्ला एंड डीप इज 36 डिग्री। पहले इन चीज़ों को लिख लेते हैं, कि आपको गिवन क्या क्या है, उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है आपके पास सबसे पहले कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, या मतलब जो डिप दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन डेल, सॉरी डेल कितना 30 डिग्री दे दिया। अब उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, इफ़ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 × 10⁻⁴ टेस्ला, ये 5 × 10⁻⁴ टेस्ला जो दिया हुआ है, ये कौन सा फील्ड दिया हुआ है, ये दिया आपके पास आपका वर्टिकल, कौन सा दिया हुआ है ये वर्टिकल, जी नहीं ये वर्टिकल नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ आपके पास अर्थ का दिया हुआ है, मतलब बी दिया हुआ है ये, तो वो कितना है 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये बोल रहा है कि जो फील्ड है, वो कैसे जा रहा है, वो हमें अब ध्यान से समझना पड़ेगा। एक बार पहले ये नॉर्थ है, सॉरी ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, आपका प्लेन ऐसे जा रहा है, इसके जो विंग होंगे वो किस साइड होंगे, वो इस तरह से होंगे इस साइड। ठीक है, इसको प्लेन बना देते हैं पूरा, कि ये प्लेन जा रहा है इस तरह से। ठीक है, ऐसे प्लेन जा रहा है, ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें वही चीज़ कि यहाँ पे फील्ड कैसे जा रहा होगा, अभी हमने बात की थी पिछले दो क्वेश्चन में कि यहाँ पे फील्ड जो होगा अर्थ के जियोग्राफिक साउथ से नॉर्थ चलता है, तो फील्ड हमेशा ऐसे ही शो होगा, हमें फील्ड हमें ऐसा ही शो होगा हमेशा। ठीक है, ये फील्ड हो गया, क्यों, क्योंकि इधर है वर्टिकल हमारा, इधर है हमारा एच वाला, समझ गए, नीचे की तरफ हो गया, इतना क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे पहले हमें क्या निकालना है, बी वी निकालना है, फिर हमें बी एच निकालना है। ठीक है, तो बी वी कितना होगा, बी वी निकालते हैं बी साइन डेल से, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, और ये निकालते हैं बी कॉस डेल से, तो बी वी इज इक्वल टू कितना आ गया, बी इज 5 × 10⁻⁴ साइन डेल इज 30 डिग्री, बी एच इज 5 × 10⁻⁴ कॉस 30 डिग्री। सोल्व करिएगा, आंसर आ जाएंगे आपके पास, बी एच आपके पास आ जाएगा 2.5 √3 गोज, और बी वी कितना आ जाएगा 2.5 गोज। ठीक है, क्योंकि साइन 30 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास कोस 30 √3/2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, √3/2, और जो ये 10⁻⁴ है इसको हमने गोज लिख दिया, 10⁻⁴ को हमने गोज लिख दिया। अब इंड्यूस ईएमएफ, अब जो इंड्यूस ईएमएफ होगा
वो आपको अब देखना है कि भैया जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कैसे निकलता है। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी वी एल। क्वेश्चन इज दैट कि बी जो है वो कौन सा यूज़ करें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखो जैसे ये प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, जब प्लेन उड़ रहा है तो फील्ड जो है वो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका साउथ से नॉर्थ है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, कैसे, देखो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है एज द प्लेस विल हैव टू कंपोनेंट, कि जो फील्ड होता है इसको ध्यान से समझो, इस तरह से समझते हैं कि जो फील्ड होता है कि उसके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक एंगल बना रहा कितना 30 डिग्री का, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। ठीक है, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना वो डेवलप करेगा इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द विंग। जो वर्टिकल होंगे वही तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्टिकल को लेंगे, किसको लेंगे, वर्टिकल तो वो कितना है 2.5 एंड वी, वी जो भी इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आर, उसको चेंज कर लेना। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आर, और साथ में आपके पास लेंथ दे रखी है, वो लेंथ कितनी दे रखी है 25 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 25 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब ये गॉस में है तो इसको 10-4 कर देते हैं पहले, 10-4। ठीक है, एंड वी, वी कितना होगा आपके पास, वी हो जाएगा आपके पास 18 किलोमीटर, ठीक है, पर आर, और साथ में आपके पास एल वो कितना है 25, एल कितना है 25, हो गया क्लियर। चलिए, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई ये क्वेश्चन किस तरह से हमने किया है। ठीक है, चलिए, तो E इज इक्वल टू आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसको सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। किस मेथड से आपको करना है वो मैंने आपको एक बेस्ट वे में आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th पर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20th को करते हैं, 20वें क्वेश्चन को करते हैं। इसमें देखिए आपको एक फर्स्टली मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब कैसे करना है वो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे ऊपर है नॉर्थ और नीचे है ये साउथ, और इसके बीच में ये एक रोड है ए और ये एक रोड है बी। इन दोनों के कनेक्शन इस तरह से किए हुए हैं कि ये इस तरह से बीच में से होके गैल्वेनोमीटर है और फिर यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, तो ये इस तरह से किए हुए हैं। पहले मैं इसका एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि आगे आपको ये फर्दर कैसे करना, मतलब यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोल हैं, तो इससे मतलब फील्ड जाता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो फील्ड क्या जा रहा है, नॉर्थ से साउथ में जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, नॉर्थ से साउथ में। तो मतलब हम फील्ड ऐसे बना सकते हैं कि ऐसे, किसके लिए, रोड्स के लिए, जो हमारी रोड हैं उनके लिए हम फील्ड ऐसे बना सकते हैं, और उनके बीच में जो ये रोड रखी हैं वो किस तरह से रखी हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। वो रखी हैं इस तरह से कि आपके पास जैसे कि ये आ गया एक रोड, ठीक है, और दूसरी रोड ये रख दी यहाँ पे हमने ऐसे, और उसके बाद कि यहाँ पे इसके ऊपर एक और रोड, मतलब जो ये चीज़ें हैं ये और ये रेल बोली जा रही है, रेल मतलब जिनके ऊपर कोई चीज़ घूम रही है, चल रही है, और कौन सी चीज़ घूम रही है, वो इस तरह से घूम रही है, ये वाली एक रेल ये चीज़ है जो इसके ऊपर घूम रही है। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, और ये घूम रही है, जा रही है इस साइड, जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे भी शो किया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ करी कि ये इस विद वेलोसिटी वी के साथ इधर जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो कनेक्शन है अकॉर्डिंग टू डायग्राम वो इस तरह से हैं कि बीच में यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच है, और इस स्विच के बाद ये रोड, फिर इसमें वायर जा रही है ऐसे। ठीक है, इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, ये हमारी रेल्स हैं ए एंड बी, ऐसे डायग्राम है ये, और जो ये नॉर्थ साउथ है उसको मैंने ये क्रॉस की फॉर्म में बना दिया है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, सारी आपको लेंथ दी हुई है रोड की, देखिए लेंथ जो दी हुई है वो दी है 15 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर दी हुई है आपके पास। ठीक है, और बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.50 मतलब 50 टेस्ला। जो रोड है मतलब एक लूप जो बनता है रोड के साथ, मान लीजिए जैसे ये लूप बनेगा,
1 किलो, तो इसकी जो मतलब रेजिस्टेंस होगा वो 9 मिली ओम होगा। कितना होगा? 9 मिली ओम। और हमने यहाँ पे मानना है, इन्होंने यहाँ पे बोला है अज्यूम द फील्ड टू बी यूनिफॉर्म, कि जो फील्ड है वो कैसा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म है। फील्ड कैसा है यहाँ पे? यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब इसके वन पार्ट को करते हैं, मतलब एक एक पार्ट को करते हैं और फिर पढ़ते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे इन्होंने पूछा था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब इन्होंने पहले पार्ट में पूछा है कि अगर हमने के को ओपन कर दिया और रोड को मूव कर दिया विद स्पीड ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन शोन, गिव द पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये आपको बता रहा है, ठीक है। अब एक इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल, कैसे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होता है? बीवीएल से होता है, ठीक है। तो बी भी गिवन है, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, बी आपके पास गिवन है, वी गिवन है और एल गिवन है, ठीक है। लेंथ कितनी दी हुई है? ये दी हुई है, देखिए 15 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट तो मेरे ख्याल से बिल्कुल हो जाएगा जब आपका के क्लोज्ड ओपन कंडीशन में होगा, व्हेन के इज ओपन। कैसा हो? जब के आपका ओपन हो भैया, ठीक है। तो देखिए कितने क्वेश्चन हम मोशनल ईएमएफ के कर चुके हैं जिसके अंदर ये कंडीशन हमसे पूछी गई थी बार बार, ठीक है, कि इज इक्वल टू बीवीएल, बार बार ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। तो इसका मतलब जो मोशनल ईएमएफ का टॉपिक है, मोशनल ईएमएफ, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के चलो आप, ठीक है। इसे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपके पास बी भी दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है, ठीक है। वी कितना दिया हुआ है वो चेक कर लेते हैं, ये रहा वी, इसको पहले मीटर बना लेना, हो जाएगा। एंड लेंथ दी हुई है रोड की वो ये रही, इसको मीटर बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन वैल्यूज़ को पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। एंड आंसर इज, मैं लिख देता हूँ, आंसर जो है वो है भैया आपका 9 मिली वोल्ट, 9 मिली वोल्ट। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में ये क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है, इज देयर एन एक्सेस चार्ज बिल्ड अप एट द एंड ऑफ द रोड व्हेन के इज ओपन, व्हाट इफ के इज क्लोज्ड। अगर के ओपन है तो यहाँ पे जो एक्सेस चार्ज है, मतलब क्या वो यहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब सुनो, इज देयर एन एक्सेस चार्ज, यहाँ पे क्या एक्सेस चार्ज होगा? बिल्डअप होगा एट द एंड ऑफ द रोड, रोड के सिरों पर, जब कंडीशन दी इन्होंने कि जब के ओपन हो या के क्लोज्ड हो। तो जब के ओपन होगा, ठीक है, तो जब के ओपन होगा तो होगा क्या? के ओपन होने से जो आपका ये रोड है, ये रोड है, इसका जो अपर एंड है, ये वाला पोर्शन, और ये लोअर एंड है, ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे? अपर एंड बन जाएगा भैया पॉजिटिव, और जो लोअर एंड है वो बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। कैसे पता लगेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है, बी नीचे जा रहा है, वी देखिए बी जा रहा है नीचे, ये क्रॉस दिखा रखा है, और वी जा रहा है इधर, तो कॉमन सी बात है करंट इधर होगा, ठीक है। करंट कहाँ होगा? इधर होगा। तो करंट कहाँ से कहाँ चलता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये एंड पॉजिटिव बन गया और ये एंड नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो ये था सेकंड का, फर्स्ट जिसमें क्लोज नहीं किया, ओपन रखा है। अगर हम क्लोज कर दें, अगर हम क्लोज कर दें तो फिर क्या होगा, सोचिए एक बार, ठीक है। वो कैसे क्लोज होगा, ठीक है। अब सुनो भाई ध्यान से, अब जैसे ही हमने क्लोज किया, के को क्लोज्ड कर दिया, तो क्या होगा कि जो एक्सेस चार्ज है वो मेंटेन हो जाएगा, किससे वो मेंटेन हो जाएगा, किससे भी, फ्लो ऑफ चार्ज इन द मूविंग रोड, इन द मूविंग रोड, ठीक है। क्योंकि जब ये के क्लोज्ड होगा, इस के को हम क्लोज करेंगे तो ये क्लोज सर्किट बन जाएगा, ये क्लोज सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक चार्ज फ्लो होगा और वो कैसे मेंटेन करा जाएगा, इन द मूविंग रोड, इस रोड में वो मूव करता रहेगा, ठीक है। तो ये हुए इसके दो पार्ट, पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो रिपीट करके देख लेना। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं हम अपना सी पार्ट। चलिए तो सी पार्ट में देखिए हमसे क्या पूछा हुआ है, सी पार्ट की बात करते हैं। विद के ओपन एंड द रोड मूविंग यूनिफॉर्मली,
देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द रोड पी क्यू इवन थ्रू दे डू एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द रोड एक्सप्लेन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे के ओपन है और जो रोड है मूविंग कर रही है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मतलब स्पीड कोई कम ज़्यादा नहीं हो रही उसकी। तो ये बोल रहा है देर इज़ नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द रोड पी क्यू, कि जो रोड पी क्यू है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स नहीं है। ठीक है, थ्रू दे डू एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फोर्स फील करने के बावजूद भी नहीं है, तो इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो एक्सप्लेन करते हैं, बड़े ईजी वे में करेंगे। तो देखिए, जब आपका के ओपन होगा, जब आपका के ओपन होगा तो इस केस में क्या होगा, एक ऐसी स्टेज हमें मिल जाएगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा वो एक पोटेंशियल बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक पोटेंशियल बना देगा। ठीक है, या फिर आप ये बोल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाने वाला है। केस को समझो, ये क्या बोल रहा है कि जब के ओपन हो जाए, ठीक है, मतलब ये के अभी खुला हुआ है, अभी ओपन है और रोड मूव कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि जो रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मतलब जब वो मूव कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है भाई, करंट बन रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन उन पर एक फोर्स लग रही है, क्या लग रही है उन पर एक फोर्स लग रही है, वो फोर्स हम कैसे लिख सकते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड से लिख सकते हैं। यही फोर्स किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है, और वो क्या होती है, क्यू मतलब ई वी एंड बी से होती है। तो भैया ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले, तो ई को कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल ई को हम लिख सकते हैं वी बाय एल से, तो इसको लिखेंगे वी बाय एल ई वी बी, हो गया। ई से आप ई कट कर दो तो आपको मिला V एंड ये हुआ बी वी एल। ठीक है, तो मतलब ये भी एक तरह से क्या हुआ, मोशनल EMF का फॉर्मूला हमें मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, मोशनल EMF, मतलब हमें केस बताने हैं और ये केस पूछता जा रहा है, हम इसके केस को बताते जा रहे हैं। ठीक है, समझो कि जब भी K ओपन होगा तो एक स्टेज हमें मिल जाएगी कि जो फोर्स होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस कर देगा। वो क्यों इंड्यूस करेगा, क्योंकि वो बैलेंस करेगा किसको, मैग्नेटिक फोर्स को। वो किसको बैलेंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इसके डी पार्ट पर। तो डी पार्ट में ये क्या बोल रहा है आपको, डी पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द रोड व्हेन के इज क्लोज्ड। अगर के क्लोज्ड हो तो उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स होती है, वो हमें बतानी है। के अगर क्लोज है तो रिटार्डिंग फोर्स आपको बतानी है। अगर के क्लोज हो रहा है, हम डी पोर्शन की बात करते हैं, अगर हमारा के क्लोज हो रहा है, इफ़ के क्लोज्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, जो करंट है वो फ्लो करने लग जाएगा। कैसे, कि किस में, लूप के अंदर, क्योंकि एक लूप बनेगा ना यहाँ पे, एक लूप के अंदर करने लग जाएगा करंट। ठीक है, अब ये करंट है और किसी एक वायर में जा रहा है तो वो एक फोर्स, और वो मैग्नेटिक फील्ड में भी रखी है। भैया के क्लोज किया तो करंट फ्लो हुआ ऐसे। अब ये एक रोड है जिसके अंदर जा रहा है करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड में भी रखी है, तो एक कॉमन सी बात है भाई, जब भी कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो उस पर एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स कौन सी है, आई एल बी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस फोर्स को निकाल लेंगे। और इस फोर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई जो आपका आई है वो कैसे है, यहाँ पे वो हमें पता होना चाहिए। तो आई तो कैसे होता है, EMF बाय रेजिस्टेंस होता है, तो EMF कितना है, BVL अपॉन R, यही है। सारी चीज़ें आपको गिवन है, बी भी गिवन है, वी भी गिवन है, एल भी गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पे पुट कर देना, आपके F की वैल्यू आ जाएगी, तो ये रिटार्डिंग फोर्स आ जाएगी। ठीक है, इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डिंग फोर्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट समझने की देरी है, सिर्फ किस चीज़ की देरी है भैया, समझने की देरी है। नेक्स्ट चलते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट आपको क्या कहता है, देखिए ई पार्ट आपको क्या कह रहा है, इसकी भी सुन लेते हैं गरीब की। ई पार्ट, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड, ई पार्ट बोल रहा है कि हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड
बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू कीप द रोड मूविंग एट सेम स्पीड वन के इज क्लोज्ड। अगर के को क्लोज कर दें तो कितनी पावर हमें जरूरत पड़ेगी टू कीप द रोड मूविंग इन क्लोज सर्किट एट कॉन्स्टेंट स्पीड। तो हमें एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, हमें एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो फोर्स कहाँ है वो अभी पिछले पार्ट में हम निकालेंगे, डी में, डी पार्ट में हम निकालेंगे। और वो फोर्स जो आएगी वो आएगी 0.075 न्यूटन। तो भैया पावर पूछ रहा है तो पावर का एक फॉर्मूला होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, एफ डॉट वी मीन्स एफ वी कॉस थीटा। तो फोर्स हम पिछले अभी पोर्शन जो चल रहा है हमारा ये यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये कितनी है 0.075, वी कितना है दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, उसको चेंज करो, ठीक है, किस में चेंज करेंगे मीटर में, तो -2 आ जाएगा, ठीक है, 10-2 आ जाएगा। अब कोस थ्रीटा, कोस थ्रीटा, अब एक चीज़ देखिए, जिस डायरेक्शन में वी जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वी जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका थ्रीटा है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। पी इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे फिर यहाँ पे, पी इज इक्वल टू हम लिख देंगे 0.075 इंटू 12 इंटू 10-2 एंड कोस 0 को कर देंगे 1। कैलकुलेट कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ ले, अगर के ओपन हो तो सिंपल सी बात है के ओपन होगा, अगर के ओपन हो जाए तो आई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, अगर के ओपन हो जाए तो आई नहीं होगा, एंड आई नहीं होगा तो यहाँ पे नो रिटार्डिंग फोर्स होगी, नो रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। सो पावर रिक्वायर्ड टू मूव एट कॉन्स्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी 0। बट कब होगी, जब आपका के जो है वो ओपन होगा, लेकिन क्लोज्ड है तो इतनी पावर आपकी होगी, कैलकुलेट कर लेना भैया, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से कर रहे हैं हम। चलिए तो नेक्स्ट और सेकंड लास्ट पार्ट है शायद इसका, हाँ सेकंड लास्ट जो है भैया इसका पार्ट है ये हमारा। अब पार्ट हो गया है ई, अब हमें करना है एफ। चलिए तो ये बोल रहा है हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड एज हीट इन द क्लोज सर्किट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर। तो भाई पावर कितना लॉस हो रहा है वो तो बता ही सकते हैं हम, तो वो तो फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, और आई हम बार बार निकाल के आ रहे हैं, ठीक है, बार बार हम निकालेंगे, जैसे हमने पीछे किया था ना कि आई कैसे निकालते हैं, बी वी एल बाय आर से निकालते हैं, तो वो बनेगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो मतलब आई स्क्वायर एंड आर जितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 9 मिली दिया हुआ, तो 10-3, तो कैलकुलेट करिए आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो ये आपकी पावर आ जाएगी, तो आपका एफ पार्ट हो गया। अब चलते हैं जी पार्ट की तरफ, जी पार्ट आपको क्या बोल रहा है, जी पार्ट बोल रहा है व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द मूविंग रोड इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द रेल इंस्टीड ऑफ बींग परपेंडिकुलर। अगर जो रेल है उसके परपेंडिकुलर की बजाय पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, फिर तो बिल्कुल ही इंड्यूस्ड नहीं होगा, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, क्योंकि कॉस 90 होता है 0, और बी वी एल कॉस थ्रीटा होता है ना, तो बी वी एल कॉस 90 एंड कॉस 90 0, तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो ये था एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि आसान भी है और कई बार मैंने करवाया भी है, ठीक है, कई बार मैंने करवाया है उसको आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए वो क्वेश्चन आपका 21st, देखिए इसमें ये एक मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है, तो इस क्वेश्चन को आप एज ए होमवर्क करिए, बहुत बार मैंने इसको करवाया, बहुत बार, आप इसको कुछ नहीं करना, आप इसको सोल्यूशन एक बार देख के फिर करिए, क्योंकि इसमें देखो एक डेरिवेशन पूछी हुई है, किसकी डेरिवेशन है भैया, इसमें है मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन, किसकी डेरिवेशन है, मोशनल ईएमएफ की, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, होमवर्क आपका, अच्छे से आपको इसको करना है, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब ये मत सोचना कि हाँ सर ने बोल दिया कर लेंगे और ये वो है, तो भैया कर लेना, क्योंकि ये सोल्ड एग्जाम्पल है, वो सोल्ड एग्जाम्पल तो हमें करनी ही है ना, ठीक है। तो ये एज ए होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको, करंट इन द सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 to 0, कि 5 से 0 एम्पियर हो जाता है 0.1 सेकंड के अंदर, ठीक है, 5 से 0 in 0.1 सेकंड के अंदर। इफ़ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड,
गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। पहले देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। इस क्वेश्चन में हमें एक तो दिया हुआ है चेंज इन करंट, जिसको DI लिखेंगे। कितना है, कितना है भाई फाइनल, कितना है हमारे पास 0.0, इनिशियल कितना है 5.0, ठीक है, तो मतलब -5 बोल सकते हो आप चेंज इन करंट। टाइम, चेंज इन टाइम वो है 0.1 सेकेंड। कितना है 0.1 सेकेंड लिख देंगे। अब इसमें और क्या दिया हुआ है, इसमें EMF भी दिया हुआ है, तो EMF की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट। ये आपसे पूछ क्या रहा है सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस का झट से एक फॉर्मूला लिखो, कौन सा होता है E = हमने पढ़ा है -LdIdt, ये रिलेशन पढ़ा है, तो यहीं से निकालेंगे। अब यहीं से निकाल लेंगे ना, तो E कितना है 200 माइनस L निकालना है, DI कितना है -5, ठीक है, तो ये प्लस हो गया, तो 5 नीचे कितना है 0.1, तो हो गया 200 × 0.1/5। इसका 10 यहाँ पे लगा, ये 0 ख़त्म हो गई, तो ये इससे कट गया, 5 4 हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया L = 4 हेनरी। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये क्या हुआ, ये आपका आंसर आ गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये रहा। तो नेक्स्ट है, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको गिवन है क्या, आपको यहाँ पे गिवन है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम किससे शो करते हैं, एम से, तो कितनी है 1.5 हेनरी। क्लियर है इतनी चीज। आगे, इफ द करंट इन द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पीयर, मतलब चेंज इन करंट दिया हुआ है, चेंज इन करंट कितना 0 से 20 हो जाता है, मतलब 20 - 0, सॉरी हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई है, 20 - 0 हो गया तो 20 आ गया, ठीक है। अब कितने टाइम में, टाइम भी लिख देते हैं, कितने टाइम में है भैया, टाइम है कितना 0.5 सेकेंड में, ठीक है। देन व्हाट इज़ द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल, अदर कॉइल ये पूछ रहा है, तो हमें पता है अभी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें सेकेंड के फ्लक्स जो लिंक हो रहा वो फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, एम चेंज इन करंट इन फर्स्ट कॉइल, तो फाइव टू आपको निकालना है, ठीक है, तो एम कितना दिया हुआ है 1.5, ठीक है। चेंज इन करंट कैसे निकालेंगे, 20 - 0, वो पहले ही बता दिया मैंने 20 होगा, तो 1.5 20, ठीक है, तो इसको कट यहाँ पे इससे, तो ये आ गया 30 वेबर, क्यों, फ्लक्स निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इसलिए आ गया 30 वेबर। तो आई थिंक इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एंड ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का। तो ये है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन भाई, अच्छे से पढ़ लेना बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ये नोट्स के अंदर इसका आपको जो है मतलब सॉल्यूशन मिलेगा, एंड वन शॉट के अंदर मैंने ये करवाया हुआ है, तो बार बार इस चीज़ को नहीं करेंगे, वन शॉट के अंदर इसको देखिए, ठीक है। एंड जिन बच्चों ने कर लिया, इसमें कुछ नहीं है, एनर्जी स्टोर्ड इन सेलेनाइड के एक्सप्रेशन पूछे गए हैं, और उनकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो कंपेयर करने के लिए बोला है, किसके साथ, कैपेसिटर के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, इनको अच्छे से करिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी ये तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एज ए होमवर्क आप कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और वो है हमारा कौन सा भैया, 25th, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एडिशनल के भी कई क्वेश्चन हमने कर लिए, साथ में सॉल्व एग्जांपल कर लिए हैं सारे, एंड साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए, तो लगभग 99% आपका जो है NCERT का सोल्यूशन इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। चलिए, तो अभी आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो कंसेंट्रिक कॉइल दी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है, दो कंसेंट्रिक कॉइल हैं, वन ऑफ स्मॉल रेडियस है R1, दूसरी का है R2, और बताया है कि जो R1 है वो छोटा है किससे, R2 से। आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद सेंटर कोइंसाइडिंग, ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, मतलब ये एक कैसा है, हमने एक पोर्शन पढ़ा था, मतलब टू कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का पोर्शन पढ़ा था, उसमें हम ऐसे करते थे, ठीक है, इस तरह से, इसमें बहुत सारी टर्न होती थी, फिर हम एक कॉइल और लेते थे ऐसे अंदर। अगर हम इसी कॉइल को साइड लुक देखें तो हमें ये ऐसे दिखाई देगी, देखिए हमें कैसी दिखाई देगी ये, ऐसे, ठीक है, और एक अंदर दिखाई देगा ऐसे। तो एक का रेडियस इन्होंने कितना बोल दिया, एक का रेडियस इन्होंने बोल दिया कितना है R1, वो कौन है, छोटे वाली, और बड़े वाली कौन सी है, ये री R2। आगे, ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, ये इन्होंने बोला है, तो इसका मतलब कोई ना कोई करंट जा रहा होगा बाहर वाली में से,
मतलब सेकंड जो बड़ा सर्कल है उसके अंदर से, इसके अंदर से। तो इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें करंट जा रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर करंट इस डायरेक्शन में हमने मान लिया है कि ऐसे करंट जा रहा है, और ये करंट कैसे है, क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज है, तो भैया ये एक फील्ड बनाएगा वो जो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऐसे इनवर्ड होगा, क्रॉस करके जा रहा होगा ऐसे। हमने बाहर वाले में ही क्यों कंसीडर किया, इसलिए किया क्योंकि बाहर वाले में हम करंट भेजेंगे तो इससे जो भी फ्लक्स होगा वो अंदर वाली रिंग के साथ इजीली अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जब बाहर वाले में से करंट जा रहा है तो बाहर वाला जो रिंग है वो एक बी टू फील्ड बनाएगा, कॉमन सी बात है। और बी टू फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं रिंग के लिए म्यू नॉट, कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट आई टू, सेकेंड करंट है ना, नीचे हो जाएगा टू जितने डिस्टेंस तक बना रहा है तो आर टू, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर पढ़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आर टू है तो आर टू कर दिया, करंट आई टू है तो आई टू कर दिया, ठीक है। अब इससे एक फ्लक्स बनेगा, वो लिंक हो रहा है किसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ। तो मतलब फर्स्ट वाले को कितना लिंक फ्लक्स मिल रहा है, वो लिखेंगे फाइव वन से। तो फाइव कैसे लिखते हैं, बी इंटू एरिया लिखते हैं, तो बी कौन है, बी टू वाला, एरिया किसका, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का एरिया। तो कैसे होगा, फर्स्ट वाले का एरिया लिखेंगे तो पाई आर वन का स्क्वायर होगा, एंड बी टू इज म्यू नॉट आई टू टू आर टू, बी टू इज म्यू नॉट आई टू टू आर टू, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता है, अभी हमें एक चीज़ पता है कि जो फ्लक्स होता है वो इस चीज़ के भी तो इक्वल होता है कि भाई एम आई के, मीन्स अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड लिख रहे हैं तो यहाँ पे करंट किस में जाता है, सेकंड वाले से। तो आई टू से तो आई टू कट सकता है, आई टू से तो आई टू कट सकता है, तो बचेगा कौन, बचेगा हमारे पास कौन, एम वन टू, ठीक है, बचेगा कौन, एम वन टू, और उसे मिलेगा क्या, म्यू नॉट पाई आर वन का स्क्वायर अपॉन टू आर टू, म्यू नॉट पाई आर वन का स्क्वायर अपॉन टू आर टू। ये है हमारा वन से टू का केस, ठीक है। एंड एम वन टू या टू वन अगर लिखोगे उसे क्या बोलते हैं, कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं इसको। अब एक बात और कि अगर आपका जो करंट है वो रिवर्स हो जाए, मतलब अंदर वाली कॉइल में हो, तो कोई बात नहीं, सेम रहेगा फॉर्मूला, बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले बाहर वाली से मान लिया है इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, क्लियर है, क्लियर है भैया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारे ख़त्म हो चुके हैं इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, एडिशनल के मतलब लगभग क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, मतलब अगर 10 क्वेश्चन है तो 8-9 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक दो क्वेश्चन जो बचता है वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको एडिशनल के सिर्फ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड बहुत अच्छा लगा होगा ये वन शॉट, अगर अच्छा लगे एंड अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, आपके सपोर्ट एंड प्यार की बहुत ज़रूरत है। जल्दी ही चैनल की फैमिली बहुत बड़ी करनी है हमें, तो वो आपके सपोर्ट से कर सकते हैं, तो सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।